ओके सो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर पब्लिक फाइनेंस. अगेन दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, फोर यूनिट्स आई कैन से. यूनिट नंबर 1, 2, 3 टोटली कनेक्टेड है एंड यूनिट नंबर 4 कंपैरेटिवली इजी है. वहाँ पे आपको फिस्कल टूल्स के बारे में बताया जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से फिस्कल टूल्स का इस्तेमाल करती है. मोर ओवर इकोनॉमी में जो अभी कंडीशन चल रही है, जो आप फेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप उसको फिस्कल टूल्स, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के साथ मैच करके इंटेंशन समझ सकते हैं गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कब डिसबर्समेंट करती है फंड का, कब गवर्नमेंट अपने खजाने को रोक लेती है, और इंडियन सिनेरियो क्या रहा है. तो ये चैप्टर वैसे जो अभी यहाँ पर अपन यूट्यूब पे कवर करने वाले हैं, टोटली क्वेश्चन एंड आंसर्स ही कवर होने वाले हैं. तो रेगुलर लेक्चर आप पढ़ते हो तो आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं, फास्ट ट्रैक, मैराथन, वो सारी चीज़ों में भी इंसाइट्स मिलेंगे. ये तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है. प्लस आई टेल यू कि ये वाला जो चैप्टर के अंदर ये पर्टिकुलर यूनिट है मार्केट फेलियर, ये काइंड ऑफ रिवॉल्व होता है चार में से एक टाइप के मार्केट फेलियर पे, दैट इज एक्सटर्नैलिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोगों को पता भी होगा. बहुत बढ़िया बेटा. सर 4 आवर्स का या 2 आवर्स? 2 आवर्स 8 मिनट का, 2 घंटा 8 मिनट. सेम है. अच्छा, वो दैट इज मोर डिटेल्ड ऑन अन अकेडमी, इट इज मोर डिटेल्ड. मोर डिटेल्ड एज इन वहां पे एक एक चीज मैंने लिटरली सॉल्व करी है, एक 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 यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. तो बोथ आर सेम, क्वेश्चंस आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट वहाँ पे मैंने लिटरली एक एक सॉल्व किया है अपने हाथ से. सो जो आपको देखना है एक ही बात है. सर अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो वेरी वेरी सॉरी, आप बहुत कुछ कर रहे हो, थैंक यू. एक मिनट, पट्टे लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज़ा कर रहे हैं, कैसी कैसी आवाज़ा निकालते हैं, ड्रीम इलेवन निकाल रहे हैं लोग. चलिए जी, ये चिल्ला रहे ना बाहर, क्या करें. ओके, डिस्क्राइब व्हाई गवर्नमेंट शुड परफॉर्म द अलोकेशन फंक्शन इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द टर्म मार्केट फेलियर. ठीक है, रीड करते हैं. सबसे पहले तो मार्केट फेलियर क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा. मार्केट फेलियर तब होता है जब सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज का मिस अलोकेशन रहता है. मींस लेफ्ट टू द सोसाइटी ऑन इट ओन, देयर इज आइदर अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन, विच मींस सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन बोला जाता है इसको. लेट्स रीड. द मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन इन विच द फ्री मार्केट लीड टू मिस अलोकेशन ऑफ द सोसाइटी स्केयर्स रिसोर्सेज, इन द सेंस देयर इज आइदर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, लीडिंग टू लेस देन ऑप्टिमल आउटकम. द रीजन फॉर द मार्केट फेलियर लाई इन द फैक्ट दैट दो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट वर्क एफिशियंटली, मोस्ट ऑफन द प्री रिक्विजिट ऑफ द कॉम्पिटिशन आर अनलाइकली टू बी प्रेजेंट इन दैन इकोनॉमी. मार्केट फेलियर आर सुटेबल आर सिचुएशन इन विच अ पर्टिकुलर मार्केट लेफ्ट टू इट सेल्फ इज इनसफिशियंट. सिर्फ इतना ही लिखना है, वेन द मार्केट इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन, इट विल लीड आइदर अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन, इट विल लीड टू मिस अलोकेशन ऑफ सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेज, दैट इज लेस देन ऑप्टिमम प्रोडक्शन. और ये क्यों होता है? बिकॉज पीपल ट्राई टू एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. बस इतना लिख दिया, काफी है. बीच सुधरते नहीं है ये बच्चे, फिर चिल्लाना चालू इनका. क्या खा के पैदा किए इनके माँ बाप ने इनको? कोई भी चुप ही नहीं होता, कितना भी बोलो. अरे पर ये परमानेंटली आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी ना. मैं समझ सकता हूं आपकी भावना बालादीप के, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, लेकिन ये आवाज परमानेंटली लेक्चर में रिकॉर्ड हो जाए. चिल्ला रहे, ग्राउंड है पीछे, एक्चुअली सोसाइटी में बहुत बड़ा ग्राउंड, पर नहीं, उनको यहीं खेलना है. और मैं मना नहीं करता, क्योंकि एटलीस्ट ऐसा लाइवली लगता है, ऐसा लगता है भाई जिंदा है, मुर्दा लोगों की सोसाइटी में नहीं है. बोल तो चुप हो जाते हैं, पर कभी कभी उनका ध्यान नहीं रहता. कल से मैं ही खेलना चालू कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा टाइम और ये टाइम क्लैश होता है ना. ओके, व्हाट आर द फोर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ मार्केट फेलियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है मार्केट पावर, विच मीन्स मोनोपोली. नेक्स्ट है एक्सटर्नैलिटी. पहला है मार्केट पावर विच मीन्स मोनोपोली, दूसरा है एक्सटर्नैलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नैलिटी? एक्सटर्नैलिटी मीन्स व्हेन द एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड्स टू कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग कंजम्पशन और प्रोडक्शन फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन द मार्केट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी. कुछ याद आया?
इसलिए आपने अगर मैराथन देखा होगा तो डेफिनेटली आपको याद होगा. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फेलियर? मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन वेयर बाय एक्शन ऑफ वन पर्सन दैट इज ओरिजिनेटर लीड्स टू आइदर कॉस्ट यानी नुकसान और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन द मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट सॉरी एक्सटर्नैलिटी. द थर्ड वन इज पब्लिक गुड. सर पब्लिक गुड, पब्लिक गुड में क्या परेशानी? पब्लिक गुड में फ्री राइडिंग की नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवल रस, सर बहुत सारी प्रॉब्लम है. देन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो एक्ट्स एज मार्केट फेलियर. तो सर ये चार रीजन है कि मार्केट फेल क्यों होता है. अगेन आई विल रिपीट फोर रीजन्स ऑफ मार्केट फेलियर. द फर्स्ट वन इज मार्केट पावर, सेकेंड वन इज एक्सटर्नैलिटी, थर्ड वन इज गुड्स पब्लिक गुड्स एंड द फोर्थ वन इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. नहीं टाइम पॉसिबल नहीं है, कोरोना से ग्राउंड पे रिस्क है, यहाँ पे नहीं है MEPI. ना नहीं याद रखने की जरूरत, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाओगे? पूरे चैप्टर के अंदर चार ही पॉइंट है, ये यूनिट के अंदर चार पॉइंट है. आगे पढ़ेंगे अपन, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा, सब पे इंडिविजुअली एक एक पॉइंट है. सो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे. इज इट और नॉट? समझा गए? ये समझा सर. लेफ्ट टू द मार्केट इट विल लीड टू आइदर अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन दैट इज मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेस. दिस इज मार्केट फेलियर. सो मार्केट फेलियर के चार मुख्य कारण मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक गुड्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. हाउ डस मोनोपोली पावर अफेक्ट द एफिशिएंसी इन द मार्केट? सर मोनोपोलिस्ट करता क्या, क्या परेशानी है? हर कोई MRTP एक्ट लेकर आ गया 1969 में, उसके बाद CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर आ गए यार ये कंपटीशन एक्ट के चलते हुए 2002 के अंदर. तो सर मोनोपोली से प्रॉब्लम क्या है? मोनोपोली ने तीन गलत काम करता है. सर मोनोपोलिस क्या करता है? प्राइस एक ऐसा चार्ज करता है विच गिव्स हिम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. वो कंज्यूमर का सारा कंज्यूमर सरप्लस लेकर चला जाता है. अब सवाल ये आएगा सर वो ये काम करता कैसे है? बहुत सिंपल है. सबसे पहले वो हायर प्राइस रखता है, ठीक है, कई बार हाई प्राइजेस रखता है. दिया है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, आगे आएंगे वो क्वेश्चन, उसके अंदर दिया है मोनोपोलिस कैसे करता है. तो जितना पूछा उतना आंसर देंगे. हाँ यहीं पे दिया है इस क्वेश्चन में. सर मोनोपोलिस क्या गलत काम करता है? सर मोनोपोलिस कई बार हायर प्राइस चार्ज करता है. अगर तुमने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके अंदर तुम्हें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया था, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री. तो प्राइस हाई रखता है. दूसरा अंडर प्रोडक्शन रख के आर्टिफिशियल स्केयरसिटी कर रहा है. तो आप बोलोगे वो अंडर प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा बंदा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा? बिकॉज इट इज मोनोपोली, कोई दूसरा सेलर है ही नहीं. एंड द थर्ड वन इज मिसिंग मार्केट. मिसिंग मार्केट में मैंने आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एग्जांपल दिया था कि उसने एक छोटी सी कंपनी को रातों रात एक्वायर कर लिया था और ये हॉस्टाइल टेक ओवर करके उसने ये गलत काम किया था. तो भैया मोनोपोलिस कैसे एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं? तीन तरीके से करते हैं. सबसे पहले तो अंडर प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल स्केयरसिटी क्रिएट करने के लिए, हायर प्राइस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट एंड टोटल एलिमिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मार्केट. नाउ लेट्स रीड. Imperfect competition and the presence of monopoly power in different degree leading to pehla under production, second higher price, then would exist under the condition of perfect competition and sometimes total elimination of a particular product. This distorts the choice available to consumers and reduces their welfare. Yahan tak samajh mein aaya kya? समझ में आया आपको? तीन तरीके से करता है ये, एफिशिएंसी बिगाड़ देता है मार्केट की. अरे परफेक्ट कंपटीशन होता तो इतना हायर प्राइसेस नहीं होता, अंडर प्रोडक्शन नहीं होता, प्रॉपर प्रोडक्शन होता और कई बार टोटल एलिमिनेशन भी नहीं होता मार्केट के अंदर. लेकिन जब मोनोपोलिस्ट है वो इसी तरीके से अपनी मोनोपोलिस्ट पावर एस्टेब्लिश रखता है. एक्सप्लेन वाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर. अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है, ठीक है, उसकी गाड़ी है वो बहुत ख़राब है, 15 साल पुराना ट्रक है, ठीक है, नगर पालिका का ट्रक है सर, वो धुआं छोड़ रहा है, तो उसके पीछे जाने वाले जितने भी लोग हैं सबको धुएं का सामना करना पड़ रहा है. हो सकता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे, जैसे दिल्ली में अभी आप देख लो, दिल्ली में पराली जलाई है, बराबर है कि नहीं? अभी की बात है ना, अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत हाई हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पराली बोलते हैं ना उसको, पराली क्या बोलते हैं नहीं आइडिया आप लोगों को. तो दिल्ली में वो जलाया है, यानी हरियाणा साइड वो जो खेत है ना उसको जलाते हैं ताकि वो जो है सब कुछ रिमूव हो जाए खेत के अंदर से. तो बेटा इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पर ज़रा सोचो भुगत कौन रहा है? दिल्ली वाले भुगत रहे हैं. सबसे ज़्यादा कौन भुगत रहे हैं? दिल्ली वाले लोग भुगत रहे हैं. लेकिन क्या इसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे हैं? नहीं. तो
तो ये मार्केट का फेलियर है ना, कि कोई नुकसान कर रहा है किसी का, लेकिन मार्केट उसके बदले कुछ प्राइस चार्ज करने के लिए नहीं लगा रहा, तो दिस इज कंसिडर्ड एज मार्केट फेलियर। सर आपको पता है दबंगाई, दबंगाई क्या होता है सर? गुंडागर्दी, गुंडागर्दी इज ऑल्सो मार्केट फेलियर, बट इकोनॉमिस्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया था। क्यों सर? इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं थे ना, इंडियन इकोनॉमिस्ट होता तो गुंडागर्दी को भी मार्केट फेलियर में लेता। अरे सर एक्शन कोई और करता है, गुड्डू भैया मुन्ना भैया कुछ एक्शन करते हैं, भुगतना तो किसी और को पड़ता है ना उसके अंदर, तो वो भी मार्केट फेलियर है। खैर हम वो चीज़ यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को इन्होंने मार्केट फेलियर इसलिए कहा है क्योंकि ये ओरिजिनेट करता है कोई और पर्सन, और जो रेसिपिएंट रहता है उसको कोई कंपेंसेशन भी नहीं मिलता। प्लस जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं इस पोल्यूशन के बाद, उसके अंदर इस पोल्यूशन का प्राइस भी एडेड नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल एक शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री कर रही है पोल्यूशन, अब वो पोल्यूशन का प्राइस शुगर में थोड़ी इंक्लूड करके देंगे, तो ये मार्केट फेलियर। अब देखो इसको फॉर्मल ड्राफ्टेड लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, पोल्यूशन इज एन इंस्टेंस ऑफ मार्केट फेलियर बिकॉज देयर इज नो मार्केट वेयर द एक्सटर्नल कॉस्ट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ गुड प्रोड्यूस। मैंने यही बोला कि सर ये जो पोल्यूशन का खर्चा है ये थोड़ी शुगर में इंक्लूड करते हैं। दैट इज द फर्म हैज टू पे नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर क्रिएटिंग पोल्यूशन एंड दिस कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हेंस इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन एफिशिएंट प्राइस। एक डायग्राम आएगा उसमें मैं डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, पर क्या ये चीज समझ में है कि इसको एक्सटर्नैलिटी, ये एक टाइप की एक्सटर्नैलिटी, इसको मार्केट फेलियर क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज इट इज इनिशिएटेड बाय वन पर्सन और इसके कॉस्ट भी ऐड नहीं कर रहे तुम गुड्स के अंदर। इफ सम कंपनी इज क्रिएटिंग पोल्यूशन, आपको वो गुड्स के अंदर वो कॉस्ट ऐड करनी चाहिए ताकि गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ता है आपको पता है डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम प्रोडक्शन कम। तो आपने पोल्यूशन टैक्स ना ऐड करके, पोल्यूशन टैक्स ना लेवी करके मार्केट को इनएफिशिएंट बना दिया। आई होप इट इज क्लियर। लैपटॉप तो चल रहा है, आदत हो गई पोल्यूशन की। सही बात है, वहां के लोग सिगरेट भी नहीं पीते, बोलते सिगरेट इतना नशा नहीं देती जितना पोल्यूशन आता है। तुमको इंतजार रहता होगा, वाह अक्टूबर आ गया अब मस्त नशा आएगा, वहां से सीधा हरियाणा से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है नशा, पाकिस्तान से भी आता होगा। क्या हालत है। एटलीस्ट कंपेरेटिवली पूना इज हेवन इस मामले में। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ध्यान से सुनना। सर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले पे बेनिफिट इम्पोज करती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले पे कॉस्ट इम्पोज करती है। जनरली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देखने को नहीं मिलती है सर मार्केट में, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देखने को कम मिलती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, आपको एक इक्वेशन पता होगी शायद, मैंने बताया था प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में प्राइवेट कॉस्ट कम रहती है और सोशल कॉस्ट ज़्यादा रहती है, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट रहती है, समझो प्राइवेट कॉस्ट है 100, एक्सटर्नैलिटी की कॉस्ट 10, तो सोशल कॉस्ट 110 कह सकता हूँ मैं। तो इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्राइवेट कॉस्ट इज लेस देन सोशल कॉस्ट, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या होता है सर, प्राइवेट कॉस्ट 100। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी तो मैं इसको नेगेटिव में लिखता हूँ नंबर को, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव कॉस्ट, तो आंसर हो गया नेगेटिव। इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी सोशल कॉस्ट इज लेस देन प्राइवेट कॉस्ट, इज दिस क्लियर? डिस्टिंग्विशर टेबल आती है सर चैप्टर में से, आता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। पढ़ो, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी अकर्स व्हेन द एक्शन ऑफ वन पार्टी इम्पोजेस बेनिफिट ऑन अनदर इम्पोजेस कॉस्ट ऑन अनदर। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कम देखने को मिलती है, ये ज्यादा देखने को मिलती है, इस कॉमन। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी सोशली डिजायरेबल है, ये अनडिजायरेबल है, और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। प्लस सोने पे सुहागा, क्वेश्चन पूछा, एक एग्जाम्पल ठोक देना है अपने। सच में दिल्ली में लगभग सारी इंडिया की फैकल्टीज बैठती हैं कहीं ना कहीं, मैं भी खुद आने वाला हूँ दिल्ली क्लासेस रिज्यूम होते से। जैसे पूना को अपना हब बना लिया, मैं दिल्ली को भी हब बनाऊंगा, 6 महीना यहाँ 6 महीना वहाँ।
ठीक है, सेम कपिल सर ने भी किया, दिल्ली के तो है ही वो, और यहाँ पर भी रहते पूना में ही है अभी। वाई एक्सटर्नैलिटी आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर, ये वापस रिपीट हुआ क्या? ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऊपर पॉल्यूशन के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर जनरल पूछा है वाई एक्सटर्नैलिटी इज कंसिडर्ड एज मार्केट फेलियर। बहुत सिंपल है, क्योंकि वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। द यूनिक फीचर ऑफ द एक्सटर्नैलिटी दैट इज इनिशिएटेड एंड एक्सपीरियंस नॉट थ्रू ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म बट आउटसाइड मार्केट। इन अनदर वर्ड, इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी द फर्म हैज टू पे नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग एक्सटर्नैलिटी, दस दिस कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हेंस इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन द एफिशियंट प्राइस लीडिंग टू मार्केट। अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, एफिशियंट प्राइस क्या है, मैं बताता हूँ, आगे जाके आएगा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ पे कवर करवा दूंगा। पर इतना ही समझो कि अगर वो कॉस्ट ऐड हो गई होती, वो एक ऐसी कॉस्ट है जो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, अगर वो रिफ्लेक्ट होती तो प्राइस बढ़ गया होता, प्राइस बढ़ जाता, अगर प्राइस बढ़ जाता तो भैया डिमांड कम हो जाती। वाई डू इकोनॉमिस्ट यूज द वर्ड एक्सटर्नल टू डिस्क्राइब द थर्ड पार्टी इफेक्ट दैट आर हार्मफुल और बेनिफिशियल? सर ये एक्सटर्नैलिटी को थर्ड पार्टी इफेक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज इनिशिएटेड बाय थर्ड पार्टी, इट इज इनिशिएटेड बाय द ओरिजिनेटर एंड इट इज इम्पोजिंग कॉस्ट और बेनिफिट ऑन अनदर पर्सन। सर ये किसी और के द्वारा की गई एक्ट है, इसलिए इसको नेबरहुड इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये सारी चीजें बोला जाता है। कैसा है आदिल, कैसन बा, क्या हाल मालेगा? ओके, घूम रहे सब? मस्त, सब सही। चले बड़े आगे, सेम सेम चीज रिपीट हो रही है, कैसेट रिपीट कर रहे हो बार बार। एज द ओरिजिनेटर ऑफ द एक्सटर्नैलिटी इम्पोजेस कॉस्ट और बेनिफिट ऑन द अदर, हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। अभी विकास को कुत्ते ने काट लिया, अरे भैया इसमें विकास की क्या गलती थी? खैर विकास की हरकतें देखकर कुत्ता काटेगा ही उसको, वो बात अलग है, पर अपन मान लेते हैं विकास बेचारे की गलती नहीं, तो थर्ड पार्टी इफेक्ट है, करे कोई और भरे कोई। सर वो वाली बात हो गई। तो क्वेश्चन 6, 7 सब रिपीट हो रही है, कैसेट रिपीट हो रही है। डन 6, उमंग ने दुआ भी दे दी। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन? अब यहां पर जो आंसर दिया है ना, मैं उससे अग्री नहीं करता, मुझे वो आंसर पसंद नहीं आया, बिल्कुल आथू आंसर खराब लगा मेरे को, नहीं पसंद आया आंसर। रीड करते हैं फिर मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट सही है उसका, लेकिन कुछ पार्ट अधूरा लग रहा है मेरे को। एन एक्सटर्नैलिटी अकर्स वेन अ कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन अदर्स कंजम्पशन और प्रोडक्शन। सर ये वही बात बोल रहे हैं कि एक्सटर्नैलिटी का मतलब है ना, वेन द एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग माई कंजम्पशन और प्रोडक्शन रिजल्ट इन टू कॉस्ट और बेनिफिट ऑन योर कंजम्पशन और प्रोडक्शन, उसी को एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। यानी कि चाहे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो चाहे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो, कब ओरिजिनेट होगी? मैं जब कंजम्पशन कर रहा हूँ या प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और आप पे कब इम्पोज होगी? शायद आप भी प्रोडक्शन या कंजम्पशन कर रहे हो, तो ये पार्ट सही है। और ये कहीं भी ये जो कॉस्ट और बेनिफिट है मार्केट प्राइस में दिक्कत नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम हॉल में आके तुम्हारे कोई एफिशिएंसी एकदम बढ़ गई, तुम मेरे को इसके लिए पैसे दोगे क्या? नहीं दोगे। उमंग शर्मा बोलेगा सर बुक भी भिजवा दो इस गाने की, आप ऑडियो नोट बना के भेज दो, है कि नहीं? तो भैया ये चीज़ मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसलिए एक्सटर्नैलिटी, इसलिए नाम भी बोल दिया भैया एक्सटर्नल है, ये बाहर से आया हुआ है, इट इज आउट ऑफ द मार्केट कॉन्सेप्ट। अब जो आगे इन्होंने बोला है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन? इन कंजम्पशन ये क्या कहना चाहते हैं? यहां पर इन्होंने प्रोडक्शन लिख दिया और यहां पे कंजम्पशन लिख दिया, या प्रोडक्शन लिख दिया या कंजम्पशन लिख दिया। अच्छा प्रोडक्शन में भी पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव छोड़ दिया। अच्छा कंजम्पशन के अंदर भी नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव छोड़ दिया, ये कहना क्या चाहते हैं? ये चीज मेरे को समझ में नहीं है, लिटरली समझ में नहीं है।
अगर ये आंसर आए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको आंसर में क्या लिखना है, इन्होंने क्या पूछा है, एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन, कंजम्पशन को लेके एक्सटर्नैलिटी कैसे हो सकती है। देखो कौन कौन सी एक्सटर्नैलिटी आती है, पॉजिटिव कंजम्पशन, एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, यानी मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, ओरिजिनेटर, मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं घर पे गाना गा रहा हूँ भैया, ऐसे ही अपने लिए टाइम पास के लिए, तो मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ। ये कंजम्पशन के कारण ना तुम्हारे कंजम्पशन पे, तुम्हारी पढ़ाई पे बहुत अच्छा इंपैक्ट हुआ, तो पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन। दूसरा नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, मैं सिगरेट फूंक रहा हूँ, मेरे सिगरेट फूकने के कारण ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई, मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ और तुम्हारा पढ़ाई पे नुकसान हो रहा है, तुम्हारा पढ़ाई पे नुकसान हो रहा है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन। फिर आएगा पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, सेम मैं गाना गा रहा हूँ ठीक है खुद के लिए, तो पॉजिटिव कंजम्पशन हो रहा है और तुम्हारा ऑडिट बहुत अच्छे से हो रहा है, तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन। सिमिलरली नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, मैं सिगरेट पी रहा हूँ उसके कारण तुम्हारा ऑडिट बहुत खराब जा रहा है। तो भैया कहना क्या चाहते हैं इसमें से, चार में से कौन से पॉइंट लिखने के लिए बोल रहे हैं, कंजम्पशन तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो किसकी बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, वो क्लियर नहीं है, तो ऐसे समय क्या लिखेंगे, चारों पॉइंट लिख देंगे, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन ऑन प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन ऑन कंजम्पशन। सर आई वॉच द प्रैक्टिकल लेक्चर यू मैंशन सर, ऑफ विच क्वेश्चन 33 एंड 29 फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू चैप्टर 3 एंड 4 विल बी हाईली बेनिफिशियल फ्रॉम चैप्टर 3, दैट मीन्स पब्लिक फाइनेंस देर इज नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है ही नहीं, नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यू कैन चेक द मटेरियल, देर इज नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एंड इन चैप्टर नंबर 4 बेसिकली दे आर आई हैव कवर 2 or 3 क्वेश्चन, दैट मेनी क्वेश्चन आर देयर इन अवर सिलेबस, उससे ज़्यादा है ही नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन इट। थिंक टू लाइन नाउ, इट विल बी अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन यू, 4 crore लिख देना, 4 crore चारों लिख देने का, अच्छा हे मैंने इसको 4 पढ़ा, 4 row चारों, कह रहे कितने आलसी, ऐसे नहीं लिख सकते थे, चारों ये चावो दिख रहा है क्या रे, आलस की दुकान। सर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो मत करो, पढ़ाई कहाँ से इफेक्ट होगी, घर में हूँ कर रहे हो नहीं, मैं क्या को स्मोक करूँ, मेरे हाथ देखो ना, ये स्मोक करने वाले के यहाँ पे काले हो जाते हैं, मेरे हाथ काले नहीं है, अलग ही दिखते, स्मोक करने वाला कभी पहचान में आ जाता है। मेरे को तो धुआं भी सहन नहीं होता उसका, ठीक है। इन्होंने देखो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी लिखी, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी लिख दी, अरे भैया 8 प्रकार होते हैं इसके, इंस्टीट्यूट क्यों कंजूसी कर रहा है, एक तो पूछा जाता है इतना सा तब तो लिटरेचर लिख देता है, जब लिटरेचर लिखने लायक ज्ञान रहता है 2 पॉइंट लिख के छोड़ देता है, क्या चल रहा है इंस्टीट्यूट का, तो आप क्या लिखेंगे, आप पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ये नहीं लिखेंगे, आप कंजम्पशन वाले 4 पॉइंट लिखेंगे, तो मेरी बात मानो, मेरे द्वारा बनाई गई बुक है, खैर इसमें आंसर मैंने इंस्टीट्यूट की बुक से उठाए पर फिर भी मुझे सही नहीं लग रहा, आप सिर्फ 4 पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट, वॉट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन प्राइज एंड आउटपुट, जरा सोचो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का इम्पैक्ट क्या होता है, सोच के बताना। सर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी यानी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर हूँ मैं, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के अंदर हूँ मैं, शुगर केन डाल रहा हूँ, शुगर निकल रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, अब ये पॉल्यूशन कहीं भी प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अगर ये प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो जेन्युइनली जो प्राइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, प्राइस बढ़ के दिखना चाहिए था, आज वो बढ़ के नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स प्राइस कम दिख रहा है। जब आप प्राइस कम दिखाते हो, कोई भी कमोडिटी अगर मार्केट में कम प्राइस में ट्रेड हो रही है तो ऑब्वियसली आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड, सेट्रस पेरिबस, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम दिख रहा है क्वांटिटी ज्यादा दिख रही है, ज्यादा क्वांटिटी दिख रही है बेटा, ज्यादा क्वांटिटी दिख रही है तो ज्यादा कंजम्पशन है, ज्यादा कंजम्पशन तो फिर से ज्यादा प्रोडक्शन है तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, लेकिन ज्यादा इंप्लॉयमेंट के साथ साथ फिर से ज्यादा पोल्यूशन है। बात समझ में, अब इन्होंने कितना लिमिटेड ज्ञान लिखा है, अपन पढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन प्राइस एंड आउटपुट, तो भैया प्राइस कम होता है आउटपुट बढ़ता है। द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इम्पोजेस कॉस्ट ऑन द सोसाइटी दैट इज बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ओरिजिनली प्रोजेक्टेड,
बाय द प्रोड्यूसर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज लेस देन सोशल कॉस्ट. आपको इतना ही लिखना है, प्राइवेट कॉस्ट इज लेस देन सोशल कॉस्ट. मैं आगे जाके वो वर्ड आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है. इतना ही अभी, मार्जिनल वर्ड छोड़ो. आपका प्राइवेट कॉस्ट इज लेस देन सोशल कॉस्ट, मैंने अभी प्रूव भी किया था. प्राइवेट कॉस्ट इज लेस देन सोशल कॉस्ट. तो मार्केट में गुड्स ये प्राइस पे बिकेगा, बिकना चाहिए था ये प्राइस पे, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट ज्यादा कंज्यूम होगा. हाँ जी, दस देयर इज अ हायर चांसेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्राइसिंग. पूरा क्रक्स इतनी लाइन में लिख दिया उन्होंने, ओवर प्रोडक्शन अंडर प्राइसिंग. लिटरली आई डू अग्री विथ दिस, आई टोटली अग्री. चले बढ़े आगे. हाउ डू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन्फ्लुएंस प्राइस एंड आउटपुट. ए भाई, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या रहता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में सोशल कॉस्ट जो रहती है, ध्यान से सुनना बेटा, सोशल कॉस्ट जो रहती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में कम रहती है, प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा रहती है. यानी बिकना चाहिए था 90 में, बिक रहा है 100 में. अगर कोई कमोडिटी बिकनी चाहिए थी 90 में पर वो बिक रही है 100 में, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा दिख रहा है, आउटपुट कम होगा. यही बात है कि जो चीज़ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देती है मार्केट में उसका अंडर प्रोडक्शन हो जाता है. अरे बहुत अच्छी चीज़ बोली इन्होंने कि पॉजिटिव चीज़ें हैं का सप्लाई कम क्यों हो जाता है, क्योंकि सर अभी अपन ने पढ़ा मार्केट में गुड्स तो ये प्राइस पे ट्रेड होगा, पर ट्रेड होना चाहिए था ये प्राइस पे. सो कंपेयर विथ 90, 100 रुपीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा प्राइस पे 100 रुपये पे बिक रहा है, दैट मीन्स कम सेल हो रहा है. 90 का होता तो ज़्यादा सेल होता, तो ये प्रॉब्लम आ जाती कि प्राइस हाई है, प्रोडक्शन लो है, आउटपुट लो है. बिल्कुल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का उल्टा. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली प्राइस, इट विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट. अरे ये क्या लिख दिया इन्होंने, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन्फ्लुएंस द प्राइस. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली प्राइस, इट विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट एंड इंक्रीज इट्स आउटपुट. हायर द आउटपुट दैट वुड इक्वेट द मार्जिनल कॉस्ट बेनिफिट. ये इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने पता है क्या लिख दिया, कि अगर एक्सटर्नल जो पॉजिटिव कॉस्ट है उसको अगर तुमने ऐड करना चालू कर दिया, यानी नेगेटिव 10 रुपीज को ऐड कर रहा तो ये होगा. दिस आंसर अगेन आई डोंट अग्री. क्वेश्चन पूछो, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन्फ्लुएंस द प्राइस. ये पूछ रहे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से क्या होता है. बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी अगर मार्केट में है और तुमने उसको मार्केट में प्राइस में चार्ज नहीं किया तो अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्राइसिंग है. इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को तुम मार्केट में कन्वर्ट कर दो प्राइस में सब्सिडीज के फॉर्मेट में, तो आउटपुट बढ़ जाएगा. सो आई डोंट अग्री विद दिस आंसर. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को समझ में भी आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं डेली तो आता हूँ. किसी को समझ में आ रहा है. सो इफ दे कन्वर्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन टू मार्केट प्राइस देन दिस इज गोइंग टू हैपन. दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन दैट देर इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन द मार्केट, दैट मीन्स योर प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन योर सोशल कॉस्ट. इफ योर प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन योर सोशल कॉस्ट, गुड्स आर बींग प्रोड्यूस इन लेस देन ऑप्टिमल क्वांटिटी. सो वी हैव टू टेल दिस थिंग एंड दे आर आस्किंग कि इफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इज कन्वर्टेड इन टू मार्केट प्राइस then what will happen. So if it is converted into market price, obviously the price of 100 rupees will get converted into 90 rupees. In that case output will increase and price will decrease. But it will happen when the external cost is converted into private cost. But it is not happening. ये question ही गलत पूछा इन्होंने, question सही पूछा, answer गलत लिखा. Are you getting it? वो क्या पूछ रहे हैं, वो तुमको पूछ रहे हैं how does the presence of positive externality influence the price. सर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी अगर है दैट मीन्स योर प्राइवेट कॉस्ट इज मोर, योर सोशल कॉस्ट इज लेस, बट आपका गुड्स तो प्राइवेट कॉस्ट पे ही बिक रहा है. इफ यू कन्वर्ट प्राइवेट कॉस्ट इनटू सोशल कॉस्ट, इफ यू कन्वर्ट प्राइवेट कॉस्ट इनटू सोशल कॉस्ट देन इन दैट केस दिस इज गोइंग टू हैपन. कन्वर्जन के बाद यह घटना होगी, कन्वर्जन से पहले तो इसका आउटपुट लोअर रहेगा.
जैसे सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, सेम क्वेश्चन यहां पे पूछा और दोनों का आंसर सेम लिख दिया। अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसको कन्वर्ट कर दिया मार्केट प्राइस में तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, अगर इसको कन्वर्ट कर दिया मार्केट प्राइस में तो ये ओवर प्रोडक्शन होगा, तो ऐसे आंसर लिखना चाहिए। तो अब कंफ्यूजन छोड़ो, आंसर ऐसे लिखना है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी द प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन सोशल कॉस्ट एंड हेंस द आउटपुट इज प्रोड्यूस लोअर देन द आउटपुट ऑप्टिमल आउटपुट एंड द प्राइसेस आर हाई। हाउएवर इफ दिस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इज कन्वर्टेड इन टू मार्केट प्राइस द आउटपुट विल बी इंक्रीज एंड द प्राइस विल रिड्यूस। यार ये कन्वर्ट करने की बात की कहानी है। शुड वी एड एनी ग्राफ, सबके लिए एक ही ग्राफ ऐड करना है, वो ग्राफ मैं बताता हूँ। अब ये ग्राफ आएगा वो यूनिवर्सली सबके लिए वो ग्राफ ऐड हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्सटर्नैलिटी है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बोल रखा है, मैं आपको बता दूंगा अभी आएगा ग्राफ। डिस्क्राइब वाई मार्केट हैव इंसेंटिव टू प्रोड्यूस प्राइवेट गुड। सर मार्केट पब्लिक गुड क्यों नहीं बनाता है, प्राइवेट गुड क्यों बनाता है? बहुत सिंपल रीजन है सर, प्राइवेट गुड के अंदर एक्सक्लूडिबिलिटी है, नॉन राइवल रस है सर वो, सॉरी राइवल रस है, वहां पे एक्सक्लूडिबिलिटी भी है, दे आर राइवल रस एंड देयर इज नो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। इन केस ऑफ पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन राइवल रस है, इनडिविजिबल है, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन तीन मुख्य कारण कौन से हैं सर? नॉन राइवल रस, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड फ्री राइडिंग प्रॉब्लम पब्लिक गुड्स में होती है, वो यहाँ पे नहीं होती, इसलिए कोई प्राइवेट गुड बनाने की इच्छा रखता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट हैव सफिशिएंट इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्राइवेट गुड बिकॉज ऑफ द पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड सच एज इंडिविजिबिलिटी। सर पब्लिक गुड इंडिविजिबल है सर, सबको यूज कर सकते हैं उसे, नॉन एक्सक्लूडेबल, कोई भी उसको रोक नहीं सकता यूज करने से, नॉन राइवल रस। कॉम्पिटिटिव मार्केट फेल टू जनरेट इकोनॉमिक एफिशिएंट आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स, दैट्स व्हाई पब्लिक गुड आर ऑफन अंडर प्रोवाइडेड इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये क्या बोल रहे हैं कि भैया प्राइवेट गुड्स ज्यादा बनते हैं, रीजन इज दे आर एक्सक्लूडेबल, दे आर राइवल रस, दे आर डिविजिबल एंड लास्ट वन इज फ्री राइडिंग प्रॉब्लम अवॉइड करी जा सकती है, पब्लिक गुड्स के केस में अवॉइड नहीं कर सकते। पता चला ये रिया ने एक पब्लिक गुड बना दिया, गार्डन बना दिया, बोली अब तो मैं बहुत पैसा कमाएगी, लोगों को ये चाहिए था ना पब्लिक गुड, एक तो मेरिट गुड भी है ये, एक तो मेरिट गुड भी है, सोसाइटी के लिए डिजायरेबल भी है, तो रिया ने बना दिया गार्डन, निब्बा निब्बी सारे वहां आकर बैठ गए, दीवारें छलांगे मार मार के अंदर आके बैठ रहे हैं, ये वॉचमैन लगाए जा रहे हैं तो भी वॉचमैन को ब्राइब देकर बैठ जाते हैं, अब बाकी जो काम उनको करना है सब चल रहा है सर इनका। ये बिचारी का इंसेंटिव, इसका मोटिव क्या था कि मेरे को दो पैसा कमाने को मिले, लेकिन वहां फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल रस चालू हो गया, तो क्या फायदा? इससे बेटर इसने बोला कि मैं राइवल रस, एक्सक्लूडेबल, नो फ्री राइडिंग वाले पब्लिक गुड्स बनाऊंगे, वहां पे मेरे पास इंसेंटिव है। निब्बा निब्बी क्या है भाई, तू इस दुनिया का है कि नहीं? मेरे को पता है निब्बा निब्बी क्या होता है, तेरे को नहीं पता? अच्छा इसने भेजा था, मेरे को विकास ने भेजा, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। फ्रॉड करो तो बड़ा करो वरना ना करो, उसने सीरियसली ले लिया लगता है मेरे लेक्चर को। आई होप मेरा स्टूडेंट ना हो, होगा नहीं, मेरा नहीं होगा ऑब्वियसली। अच्छा ये समझ में आया क्या, निब्बा निब्बीज यानी कि सर वो छोटे छोटे बच्चे जिनको प्यार व्यार होता है 14-15 साल के, जिनको लगता है कि भैया ट्रू लव, ओ माय गॉड ट्रू लव हो रहा है उनको। आगे बढ़े, डिड यू गेट दिस पॉइंट? सी आपको अभी से हाईलाइट करके चलना है, आगे चलना है, ठीक है? नहीं तो आप वैसे ही लटके रहोगे, बोलोगे ठीक है बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, अभी से हाईलाइट करके चलो जो इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू मार्केट फेल टू प्रोवाइड पब्लिक गुड, अभी तो बताया, वापस से कैसे रिपीट करते हैं ये, क्यों फेल करते हैं, क्यों फेल होते हैं पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने में? अरे बहुत सिंपल है, वहां फ्री राइडिंग प्रॉब्लम है, वहां इनडिविजिबिलिटी है, नॉन राइवल रस, नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर है। Illustrate your answer. हाँ बता देंगे भाई। Why do private producer hesitate to produce public goods, bridge and highway? बता दिया मैंने, देखो इसको 13 साल में ट्रू लॉब था, LOB 13 साल की उम्र में इनको ट्रू लव हो रहा है।
मैं ये क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा, आप लिख दीजिए सेम एज इलेवन, सेम एज इलेवन। ये देखो, इफ यू मेंटेन अ ब्यूटीफुल गार्डन यू कैनॉट एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर इट सो एज टू चार्ज योर नेबर फॉर द इंजॉयमेंट। सर आपने गार्डन मेंटेन किया, आप पड़ोसी को उसको इंजॉयमेंट से रोक नहीं सकते, वो इंजॉय करके ही रहेगा। ये विकास भी बहुत इंजॉय करता है, ये ऐसे गार्डन वगैरह रोक पाए क्या कोई? कोई नहीं रोक पाता, प्रॉब्लम यही है। भाई साइंटिफिक मत हो जाओ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे बड़े साइंटिफिक हो जाते हो। चलिए कहाँ चले सर? कहीं नहीं। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड्स। सर प्राइवेट गुड्स का चरित्र विश्लेषण करेंगे, प्राइवेट गुड्स का चरित्र विश्लेषण। प्राइवेट गुड के अंदर कभी भी प्रेरणा होती है सर, प्राइवेट गुड के अंदर आपको PREREnA मिलेगी सर। सर क्या बोलना चाहते हो आप? प्राइवेट गुड के अंदर क्या होता है? प्राइवेट गुड से हमेशा आपको प्रेरणा मिलती है सर। पहला पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी राइट, प्राइवेट गुड है, यू कैन एक्सरसाइज प्राइवेट सॉरी प्रॉपर्टी राइट ओवर दैट। आपका मोबाइल है, प्राइवेट गुड है, आप उस पर प्रॉपर्टी राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। आर स्टैंड फॉर राइवलरस, आपने कंज्यूम कर लिया, सामने वाला उसको कंज्यूम कर ही नहीं सकता। ई इज एक्सक्लूडेबल, यू कैन प्रिवेंट अनदर पर्सन फ्रॉम यूजिंग द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। R stands for rejectable. It is rejectable by those who don't have paying capacity or those who don't like. Sir, reject कर सकते हैं अपन। अब ऐसा तो नहीं है कि हाईवे बना दिया, गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया। कौन है यहाँ पे? एक आधी लड़की देखे, रिया गुप्ता। हाँ एक ही लड़की दिख रही भी, रिया गुप्ता बोल रही नहीं मेरे को पिंक कलर का हाईवे चाहिए। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यू कैन नॉट रिजेक्ट इट, पब्लिक को जो दिया वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर प्राइवेट गुड में तो बोल सकती नहीं मेरे को ब्लैक कलर का मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे पिंक कलर का मोबाइल चाहिए। पिंक कलर की गाड़ी मांग सकते हो, पिंक कलर का पेट्रोल नहीं मांग सकते। पब्लिक प्राइवेट। एन से नो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। सर फुकट में कोई नहीं ले सकता अपनी चीजें, दोस्तों दोस्त लोग एक्सेप्शन है। अगर आप हॉस्टल में रुके होंगे ना, कभी आप रियल हॉस्टल में रहे होंगे तो आपको पता चलता है हॉस्टल में तो भैया प्राइवेट गुड्स के ऊपर भी फ्री राइडिंग प्रॉब्लम हो जाती है। आपके कपड़े कोई और पहन के चला गया, आपके ये मोबाइल वगैरह कोई और यूज कर रहा है, रात को आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, को ऑथर टेक्स्ट करके दे रहा है आपको, वहां पे प्राइवेट गुड पब्लिक गुड बन जाते हैं। एंड ए स्टैंड्स फॉर नो एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट। भैया अगर गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया है तो एक बंदा यूज करे, दो यूज करे, 10 यूज करे, कोई एडिशनल कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? रिया गुप्ता, यस। डिड यू गेट दिस? सो प्राइवेट गुड्स में हमेशा प्रेरणा मिलती है अपने को। एक्सप्लेन फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम करी है सबने? फ्री राइडिंग प्रॉब्लम करी, बस में लटक लटक के जाना, पैसे बचाना, मेट्रो में फुकट में ट्रैवल करना, सबने किया है फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। करता सब कोई है पर बताता कोई नहीं है। फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, फुकट का इंटरनेट यूज करना, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। पिंक रोड, पिंक रोड चाहिए इनको, नहीं चलती, सरकार नहीं सुनते। 13 की एज में हमको तो उमंग भावुक हो चुका है। उमंग तुझे अभी ट्रू लव मिल जाएगा, TRUUUU, ट्रू लव। ओ माय गॉड, ट्रू लव मिल जाएगा तुझे, टेंशन ना ले। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दे रहा। फ्री राइडिंग प्रॉब्लम अकर्स वेन देर इज नो इंसेंटिव टू पे। अगर मैं बस में फोकट में जा सकता हूं तो क्यों मैं पैसे देकर जाऊं? सीधी बात है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है 5 रुपए के टिकट के ऊपर मुझे 5.5 रुपए का कुछ बेनिफिट मिल रहा है, 50 रुपए का बस का टिकट देके मुझे मैकडोनल्ड्स के कूपन मिल रहा है, ऐसे तो कुछ है नहीं। सो पीपल ट्राई टू एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट बिकॉज देर इज नो मोटिव टू पे, देर इज नो इंसेंटिव टू पे। सर क्या फायदा? दूसरा पे कर रहा है, बस तो वैसे भी चल रही है। फिर आप सोचते हो अगर मैं पैसे भरूं ना भरूं, बस यहां से वहां तक तो जाने ही वाली है। सो यू टेक एडवांटेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर। सर दूसरों के पैसे पर मजे मारना। सुंदरलाल, सुंदरलाल पता है आपको, जेठालाल का साला, तो सर वो क्या करता है? वो फ्री राइडिंग ही करता है, बेनिफिटिंग योर सेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर। दूसरों के पैसे पे मजे मारना बिकॉज यू डोंट हैव एनी इंसेंटिव टू पे। आपको क्या फायदा मिल रहा है पे करके?
एंड पीपल हैव द हैबिट ऑफ एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. तो ये तीन मुख्य कारण के कारण फ्री राइडिंग हो जाता है. एक एग्जाम्पल लिख देना, बस में चढ़ के जा रहे, लटक के जा रहे हैं आप बस के ऊपर, बस के नीचे, पर पकड़ा गया तो एक बार बस में फ्री राइडिंग में मैं पकड़ा गया था. कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या है चेक करने का, 100 रुपये लेते हैं ना वो. अगर सिंपल है, बस का टिकट 100 रुपये है आपका, बस का टिकट 10 रुपये है और फाइन लग रही है आपको 2 times या फिर 100, विच एवर इज मोर लगता है, तो समझो आपको उस दिन 10 रुपये का आप टिकट नहीं निकाला और 100 रुपये लग गए, पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 5% ही आप पकड़े जाते हो. मतलब 20 बार में से एक बार, 20 बार में आपने 200 रुपये बचा लिए, 200 रुपये बचा लिए और एक बार आपके 100 रुपये चले गए. तो इन शॉर्ट 100 रुपये का NPV आ गया आपका, नेट प्रेजेंट वैल्यू एडजस्टेड विथ रिस्क, रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू है. अब इसको डिस्काउंट कर दो फ्यूचर कैश फ्लोज को, 500 बस के नीचे डेथ से, डेथ सर कंट्रोल बस के नीचे. नहीं नहीं, कहने का बस एक सेंस था, बस के ऊपर बस के नीचे, नीचे मत चले जाना भाई. जेठालाल का ब्रदर इन लॉ, हाँ ब्रदर इन लॉ उसका, सुंदरलाल एंड पोपटलाल. नहीं, पोपटलाल भी फ्री राइडिंग करता था, मैंने तो 7 साल पहले, 6-7 साल पहले देखता था तारक मेहता. वो सिम कार्ड वो मोबाइल में रिचार्ज करते नहीं था, दूसरों से ही करवाता था. सबसे बेचारा एथिकल बंदा आत्माराम तुकाराम भिड़े, ATB, लेकिन सबसे ज़्यादा वाट बेचारे की लगती थी. जेन्युइन कैरेक्टर बताया, रियल लाइफ में हर कोई बेचारे किसको तंग करके जाता था. जिंदगी थी तब बहुत अच्छा था, अब वो घिसना चालू कर दिया उन्होंने. बस वो लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर चुके हैं, ऐसा तो लगता है वो वहीं पे जिएंगे, वहीं पे सारी चीज़ें करनी, वहीं पे रिटायर होने वाले. टप्पू की शादी करवा देंगे वो, क्या नाम है, पोपटलाल की शादी नहीं करवा रहे. चलिए पढ़ते हैं फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, गिव एग्जाम्पल. अरे भाई एग्जाम्पल, तुम अपनी आत्मकथा लिख दो, 90% फ्री राइडिंग है उसके अंदर. आत्मकथा लिख दो, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल. द इंसेंटिव टू लेट अदर पीपल पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेस. सर दूसरे पे करेंगे ना, मैं काहे पे करूं. द बेनिफिट ऑफ विच आर इंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज फ्री राइडिंग प्रॉब्लम. इन अनदर वर्ड, फ्री राइडिंग इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ अदर विदाउट पेइंग. सर फॉर एग्जाम्पल तो लिखने की जरूरत नहीं, आप देख लेंगे. सो वाई दिस हैपन्स, बिकॉज यू हैव नो इंसेंटिव टू पे. आप बोलते मेरे को क्या फायदा पे करके, वैसे भी बस यहां से वहां जाने ही वाली है. बराबर है, आइडेंटिफाई प्योर पब्लिक गुड यूजिंग क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन. प्योर पब्लिक गुड यानी सर पवित्र पब्लिक गुड. पवित्र पब्लिक गुड्स की पहचान एक ही तरीके से हो सकती है सर, बहुत आसान है. वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होने चाहिए. अगर उसके अंदर से ये एक आधा भी कैरेक्टरिस्टिक टेंट हो गया, यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, यानी एक्सक्लूडेबल है, या फिर राइवलरस है, तो प्योर पब्लिक गुड नहीं है. तो प्योर पब्लिक गुड्स आर दोज पब्लिक गुड्स विच आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर. बात समझ में सर? वैसे तो ऐसा कोई भी गुड नहीं है जो नॉन राइवलरस भी हो और नॉन एक्सक्लूडेबल भी हो, पर इन्होंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, पर उसको पढ़ेंगे और उसको भी डिस्कस करते थे, लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन बैंक चल रहा है. प्योर पब्लिक गुड आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी हु पॉइंट आउट दैट सच गुड आर नॉट इन फैक्ट ऑब्जर्वेबल इन रियल वर्ल्ड. सर बाय मेनी क्या, मैं ही बोलता हूँ कि रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्वेबल ही नहीं है. दे आर आर्ग्यूड दैट which perfectly satisfy non-rivalrous and non-exclusivity are not easy to come across. For example, if government provide law and order or medical care, the use of law and order or medical care by some individual subtract the consumption of others if they need to wait. For example, if we take defense, the armies are mostly deployed in northern borders. It may not result in the same amount of protection to the southern people. अरे भाई सही बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी गुड नहीं है जो नॉन एक्सक्लूडेबल हो और नॉन राइवलरस हो. आप बोलेंगे सर मेडिकल हेल्थ केयर, आधे से ज्यादा मरीज तो वहां पहले ही पड़े हुए रहते हैं, जिनको खांसी बुखार भी हो गया तो वो बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं. अरे भाई ऐसे टाइम पर जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक्सक्लूड हो जाते, आप वो फैसिलिटी कंज्यूम ही नहीं कर पाते,
कहने के लिए कह रखा है आप कभी भी जा सकते हो, पर जब भी जाओ मरीज वहां पे पड़ा हुआ रहता है, बेड शेयर थोड़ी कर सकते हो तुम उसके साथ, वो यहां पर लेटा हुआ है उसका किडनी खोल के बैठे हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पॉसिबल है? गवर्नमेंट ने वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने उसकी किडनी खोल के रखी हुई है, किडनी गैप है, वो चिल्ला रहा है यहाँ पे, तुम बोल रहे मेरे को किडनी स्टोन हुआ है, वो बोल रहे एक सलाइन शेयर कर ले, वो बोल रहे हैं कि ये मरीज ज्यादा बीमार है, तू बॉटल पकड़ ले अपने पास रॉड का, मेरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, तो आपको एक्सक्लूड हो ही जाते हो। लॉ एंड ऑर्डर सब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है, तो जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय जल्दी मिलता नहीं, तो हर एक सर्विस आज के टाइम पे इम्प्योर पब्लिक गुड है। बकीता क्या होता है? जिसने प्रेरणा नहीं वो पवित्र पब्लिक गुड, जिसने प्रेरणा नहीं वो पवित्र पब्लिक गुड, नॉन प्रेरणा नहीं। प्रेरणा के बाकी कैरेक्टरिस्टिक चेक करने की जरूरत नहीं सर, प्रेरणा के बाकी गुण मत चेक करो, सिर्फ दो ही गुण चेक करने हैं आपको, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन ड्राइवल रस। 3000 एपिसोड करवा दिया, अरे बाप रे 3000 एपिसोड, मेरे को एक ही याद है उसमें वो चुड़ैल का कोई तो भी भूत का एपिसोड था, वो काफ़ी लंबा चला, वो एक अच्छा था सीरियल, अभी नहीं देख। पपिता जेठालाल का ट्रू लव, हाँ नॉन प्रेरणा। वॉट अबाउट रूट सर, आर दे आर ऑल्सो इम्प्योर पब्लिक गुड? अगर मान लो आपको जाना है अपने घर से मॉल, रस्ते पर पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगा हुआ है, आर यू एबल टू एंजॉय द बेनिफिट? नो यू आर नॉट, समटाइम यू हैव टू टेक डिफरेंट रूट, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। सो आर यू नॉट एक्सक्लूडेड बाय द कंजक्शन, जो ट्रैफिक वहां पे कंजेस्टेड हो चुका है, आर यू नॉट एक्सक्लूडेड बिकॉज ऑफ दैट कंजक्शन? यू आर एक्सक्लूडेड। तो इसको कम कैसे किया जाता है? इसको कम किया जाता है प्योर पब्लिक को थोड़ा सा इम्प्योर बनाया जाए। सर पवित्रता नहीं चलेगी कलयुग में, अपवित्र करना पड़ता है अपने को, हम टोल चार्ज करते, तो टोल चार्ज इसलिए करा जाता है, या फिर तुम पार्क में भी देखो फीस 5-10 रुपए इसलिए चार्ज करी जाती है, अनवांटेड क्राउड वहां पे आकर ना बैठ जाए, 5-10 रुपए भी फीस नहीं रखेंगे ना तो कोई भी आकर बैठ जाएगा, इंडियन मेंटेलिटी 5 रुपए भी देने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। सो वी आर एक्सक्लूडिंग सम क्राउड ऑफ निब्बा एंड निब्बीज, जो बोलेंगे चल 10 रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली 10, फिर वो बराबर बलून वाला वो पॉपकॉर्न वाला आ जाता है, तो निब्बा को पता है कि निब्बी खाएगी ये सारी चीजें, तो 300+600 20 रुपए का तो मिनिमम खिलाएगा ही ना उसको, इतना तो कंजूसी नहीं करेगा, तो 1000 रुपए महीना कहां से लाएगा, गाड़ी का पेट्रोल भी उधारी पर लाता है, 20 रुपए का तो पेट्रोल डलवाता है, तो निब्बा निब्बी इसको दूर रखने के लिए सारी चीजें करी जाती है। इन शॉर्ट देयर इज सम फीस चार्ज टू क्लियर द ट्रैफिक। पैदल चल लेंगे रोड पे, पैदल क्यों चल रहा है तू रोड पे? क्योंकि तेरे को रोड पे गाड़ी चलाने को नहीं मिल रही। आर यू नॉट एक्सक्लूडेड? तुझे एक्सक्लूड कर दिया है। हाँ, अगर तुझे एकदम मस्त एग्जांपल क्रिएट करना है तो तू बोल सकता है हाँ देयर इज अ हाईवे ऑन विच देयर वॉज अ मर्डर, सो नो वन इज यूजिंग दैट हाईवे, और दैट हाईवे इज हॉन्टेड एंड आई डोंट हैव कार एंड आई एम वॉकिंग ऑन दैट हाईवे, नाउ इट इज प्योर पब्लिक गुड, नो वन इज एक्सक्लूडिंग मी एंड इट इज नॉन ड्राइवल रस। मजा आ गया सर जिंदगी में, नो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। पांच दस दे देते हैं, नहीं रहते रे उनके पास, तुम जानते क्या हो, मेरा रिसर्च स्किल बहुत ज्यादा है, मैं फाउंडेशन वालों को बताता हूँ, तुम्हारे सामने मैं तो भी थोड़ा सिंसियर टीचर बनने की कोशिश करता हूँ, इतना रिसर्च है ना मेरा निब्बा निब्बी इसके ऊपर, मैं क्या बताऊँ, ट्रू लॉब देखा है मैंने इन लोगों का, मैंने ट्रू लॉब देखा है, क्योंकि कुछ निब्बास को मैं जानता हूं। वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी? चल चल मसीहा मत, हमें आता है ऑलरेडी, 8 प्रकार की आती है, तो 4 प्रकार की बता रहा है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, ऑन प्रोडक्शन ऑन कंजम्पशन, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, ऐसे लिखते हैं इसको, ध्यान देना, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन कंजम्पशन, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, तो ऐसे 8 प्रकार होते हैं, इसमें तो 4 ही बताए हमको, 8 आते हैं। अवर बीच हैज बिकम, विच बीच? मरीना बीच, प्योर पब्लिक गुड।
Why it has become pure public good? Because no one is allowed to go there, right? लोबर, हाँ ट्रू लोबर है। कुछ लोग रहते हैं जिन्हें हफ्ते में 2 बार प्यार होता है, ट्रू लव होता है हफ्ते में 2 बार। विच बीच? पॉन्डिचेरी। ओ पॉन्डिचेरी आना है मुझे, बट मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है मेरा खाने पीने के प्रॉब्लम हो जाएंगे वहाँ पे। मुझे 1-1.5 महीना रहना है वहाँ पे पॉन्डिचेरी में, पर मुझे लगता है खाने की तकलीफ हो जाएगी। कोस्टल एरिया है, सी फूड ज़्यादा होता होगा वहाँ पे, मेरा ऐसा मिसकंसेप्शन है। तो भैया डोमिनोज जिंदाबाद, डोमिनोज अगर होगा वहाँ पे तो। एंड अगेन इट इज़ नॉट प्योर पब्लिक गुड बिकॉज वाई पीपल आर नॉट गोइंग देयर? बिकॉज पीपल आर एक्सक्लूडेड, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाली डंडे मारती है तो भैया यू आर ऑलरेडी एक्सक्लूडेड। सो प्योर पब्लिक वो रह गया है बट नो वन इज एबल टू कंज्यूम इट, नो वन इज एबल टू कंज्यूम इट्स बेनिफिट। तो क्या फायदा है ऐसे प्योर पब्लिक गुड्स का? आइए सर, वाई सर, नाइस प्लेस, आई नो नाइस प्लेस, इसलिए तो आना है, इसीलिए तो आना है मुझे पौंडेचेरी, इसलिए आना है। पोर्तुगीज द्वारा बसाई गई, बसाया गया शहर, लेकिन खाने का वादा लगता है। चलिए, दिस डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। वो इतनी देर से अपन बोल रहे थे ना कि सर वो आउटपुट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट। चलिए पढ़ते हैं, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम एंड एग्जाम्पल। अरे वाह, और क्या चाहिए, जायदाद के पेपर भी चाहिए। एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम एंड एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड द वेलफेयर लॉस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सर दिस इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं वो पार्ट देखो सर, दिस इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में इतनी डिमांड है एंड द प्राइस, प्रोड्यूसर जो चार्ज कर रहा है ये इसका सप्लाई कर रहे, प्रोड्यूसर का सप्लाई कर रहे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आई बेटा? इतनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई Q1, और प्राइस कितना चार्ज हो रहा है P1। क्या इतना पार्ट समझ में आया? ओके आना चाहिए मुझे। एक ही लड़का ट्रू लव हो जाता है, एक ही से लड़का ट्रू लव हो जाता है, ट्रू लव बहुत होता है। चलिए बताइए, यहां तक समझ में आया? सर दिस इज मार्केट डिमांड, दिस इज मार्केट का सप्लाई, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर ध्यान से सुनना, अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, अपने को क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पूछा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है? एक एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, पोल्यूशन की कॉस्ट, जो आपने चार्ज करी नहीं बेटा। अगर उसको चार्ज करते तो अपना जो प्राइस 100 रुपये में बिक रहा है यहाँ पे, वो प्राइस बढ़ जाता। आपको नहीं लगता कि डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता, डिक्रीज इन डिमांड हो जाता? सर देखो, अदर फैक्टर पोल्यूशन टैक्स ऐड हो जाता है इसके अंदर। व्हेन पोल्यूशन टैक्स ऐड हो जाता, पोल्यूशन टैक्स ऐड हो जाता तो आपकी सोशल कॉस्ट बढ़ जाती। प्राइवेट कॉस्ट 100 रुपये चार्ज कर रहा, सोशल कॉस्ट 110 हो गई। नाउ यू सी, नाउ यू चेक, आपका प्राइस बढ़ गया क्योंकि भैया सॉरी प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि एट हायर प्राइजेस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो कम क्वांटिटी बिकेगी और ज्यादा प्राइस रहेगा। क्यों सर? हमने क्या किया, पॉजिटिव सॉरी प्राइवेट कॉस्ट थी उसके अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर दी तो हमारी सोशल कॉस्ट आ गई, सोशल कॉस्ट इज मोर, तो इस कॉस्ट के ऊपर इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है? यहां पे। इतनी क्वांटिटी यानी कम क्वांटिटी बिकनी चाहिए थी और प्राइस ज्यादा होना चाहिए था। सो दिस शेडेड एरिया इज द आउटपुट लॉस। इतना नुकसान हो गया सर सोसाइटी का। डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? कितना सिंपल था सर। अपन अगर मान लो इसके अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर देते तो सोशल कॉस्ट बढ़ जाता, सोशल कॉस्ट बढ़ जाता तो इक्विलिब्रियम यहां पर होता, इक्विलिब्रियम यहां होता तो क्वांटिटी कम प्राइस ज्यादा, लेकिन हो कहां पे रहा है, क्वांटिटी इतना बिक रहा है प्राइस इतना जा रहा है, तो इतना शेडेड एरिया आउटपुट लॉस है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स रीड दिस। सिंस एक्सटर्नैलिटीज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइस, दे कैन बी द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनएफिशियंसी। द प्रोडक्शन रिमेन इनएफिशियंट सॉरी एफिशियंट ओनली व्हेन ऑल बेनिफिट एंड कॉस्ट आर पेड फॉर। यानी ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी ने हर चीज का प्राइस पे करना चाहिए। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इंपोजेस कॉस्ट ऑन द सोसाइटी दैट इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ओरिजिनली इंटेंडेड बाय द प्रोड्यूसर। विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन सच प्रोड्यूसर विल हैव नो रीजन टू कंसिडर सोशल कॉस्ट। यानी कि बोल रहे हैं अगर मार्केट में गवर्नमेंट नहीं आएगी तो भैया गुड्स इतने ही बिकेंगे Q2, प्राइस इतना ही कम चार्ज होगा, इतना वेलफेयर लॉस होगा।
तो अब आप बोल रहे हो फिर सर ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आप पे पॉल्यूशन टैक्स लगाती है। तो जैसे ही गवर्नमेंट तुम पे टैक्स लगाती है तुम्हारी जेब से आउटफ्लो जाता है, ऑटोमेटिकली तुम जितना पोल्यूशन सोसाइटी को जितना हार्म पहुंचा रहे हो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है क्योंकि तुमको पे करने लगाते हैं। ऑटोमेटिकली योर प्राइवेट कॉस्ट इज कन्वर्टेड इनटू सोशल कॉस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी ने पीयूसी निकाला है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, व्हाई गवर्नमेंट चार्ज 35 रुपीज? इनडायरेक्टली वो जो तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो ना मार्केट के अंदर पोल्यूशन करके, गवर्नमेंट वो एक्सटर्नैलिटी को प्राइवेट कॉस्ट में कन्वर्ट कर रही है। नहीं नहीं मेरे को कोई नॉलेज नहीं है मेरे को, हाँ मैं ऑब्जर्वर बहुत बड़ा हूँ, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ, कम से कम थाउजेंड्स में तो स्टूडेंट्स लाइव में पढ़ा चुका हूँ, तो पता है अपने को ट्रू लॉग कितना होता है, कितने दिन का होता है ट्रू लॉग पता है सर। चलो अब निब्बा निब्बी से बाहर निकलो, ये बहुत डिटेल्ड में कंसेप्ट है। When firm do not have to worried about negative externality associated with the production, the result in excess production and unnecessary social cost, the problem, though serious, does not usually float up much because the society do not know precisely who are the producer of harmful good. Even if they know it, the cause-effect linkage is not clear. क्या बोला गया है सर, बहुत चीज़ें बोली गई इस आंसर में। इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है कि ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट है इसको प्राइवेट कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए क्योंकि मार्केट में चार्ज तो प्राइवेट कॉस्ट की होगी, ऑल्दो सोशल कॉस्ट एग्जिस्ट करती इतना वेलफेयर लूज हो रहा है। गवर्नमेंट ये ट्रायंगल एरिया को कम करने की कोशिश करेगी, गवर्नमेंट ये प्राइवेट कॉस्ट को ही शिफ्ट करने की कोशिश करेगी इनडायरेक्टली तुमसे चार्ज करवा के। लेकिन इन्होंने बोला कुछ परेशानी है, कहने में आसान लगता है सुनने में अच्छा लगता है लेकिन परेशानी क्या है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ऐसा हार्मफुल इफेक्ट कौन कर रहा है एंड नेक्स्ट वन कितना हार्मफुल इफेक्ट है ये भी बताना मुश्किल है। और बेटा ये आपको एक्सप्लेन करना है, इन्होंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार रीड जरूर करूंगा। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस ए फ्री मार्केट इज Q1। सर Q1 चल रहा है, Q1 चल रहा है, प्राइस P1 चल रहा है, एट विच द प्राइवेट बेनिफिट MPB इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। MPB छोड़ो, जो आउटपुट लॉस है ना बस वही बताना है मुझे। मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द फुल और द ट्रू कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर यूनिट ऑफ गुड, इट इंक्लूड्स मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये आपका सप्लाई कर्व नहीं होना चाहिए, ये वाला सप्लाई कर्व होना चाहिए। दिस मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व इज द ट्रू सप्लाई कर्व, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नैलिटी भी जोड़ के रखा हुआ है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो एक्सटर्नैलिटी अराइजिंग फ्रॉम कंजम्पशन, वी कैन सी दैट द मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज हायर देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, सोशल एफिशिएंसी अकर एट Q2। यानी कि सर एक्चुअल में होना चाहिए था ये, मैं सिर्फ उनकी लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में पूरा ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक्चुअल में होना चाहिए था ये, प्राइस और क्वांटिटी इतना आना चाहिए था, प्राइस और क्वांटिटी रिस्पेक्टिव इतना आना चाहिए था, पर हो क्या रहा है कुछ और। द शेडेड ट्रायंगल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ डेड वेट, डेड वेट वेलफेयर लॉस बोला जाता है इसको, ये वो एरिया है जिसे डेड वेट वेलफेयर लॉस बोला गया, ये वेलफेयर लूज हो गया आपका। इट इंडिकेट्स द एरिया ऑफ ओवर कंजम्पशन, ये क्या बताता है सर, इतना ओवर कंजम्पशन हो गया, क्यों कंजम्पशन होना चाहिए था इतना पर हो रहा है इतना, होना चाहिए था इतना हो रहा है इतना, क्यों हो रहा है सर, वेलफेयर लॉस के कारण ओवर कंजम्पशन हो गया। बहुत डिटेल में दिया है इन्होंने यहाँ पे, इट इंडिकेट्स द ओवर कंजम्पशन, दस वी कंक्लूड दैट व्हेन देयर इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी द कॉम्पिटिटिव मार्केट विल प्रोड्यूस टू मच एंड द कॉस्ट विल बी एंड द प्राइस विल बी लोअर। सर जब भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आएगी ओवर कंजम्पशन होगा, प्राइस कम चार्ज होगा, डेड वेट वेलफेयर लॉस होगा और ओवर कंजम्पशन भी चालू हो जाएगा। मार्जिनल यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल कॉस्ट। सी इन इकोनॉमिक्स वी आर जनरली कंसर्न विद मार्जिनल वर्ड, हमें एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कॉस्ट के बारे में पता करना है, जो हो गया सो हो गया, वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट मार्जिनल एडिशनल, वी जनरली टॉक अबाउट मार्जिनल थिंग्स, एडिशनल की बात करें, जो हो गया दैट इज संक, इट इज इनकर्ड इन द पास्ट एंड इट इज इरेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। Now what we are going to do, that means additional चीज़ें करने वाले, that's why use margin. No,
फॉर 3 मार्क्स. सो यू डोंट हैव टू राइट दिस मच लेंथ. मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2 to 3, 2 से 3 मार्क्स के लिए होता है. सो यू हैव टू डिसाइड द लेंथ. अगेन दे हैव आस्क्ड 3 थिंग्स अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल एंड डायग्राम. सो योर एक्सप्लेनेशन विल कैरी नॉट मोर देन 1 मार्क्स. योर एग्जाम्पल विल कैरी 1 मार्क्स एंड योर डायग्राम विल कैरी 1 मार्क्स. सो यू डोंट राइट दिस मच. ये एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है मैंने इंस्टीट्यूट से पर्पसली बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू मोर. या फिर मेरा प्लान नहीं था क्वेश्चन बैंक लेने का. सो आई थॉट कि एक बार पढ़ के हो जाएगा. सो यू हैव टू राइट वेरी लिटल. इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू राइट एन एग्जाम. अदरवाइज मुश्किल है भाई. विकास की निप भी अब तक है सर. ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, किसी को याद है? किसी ने मेरा मैराथन देखा है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन के लिए मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया है. वहां पे मैंने एक नाम यूज किया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन में. अनिल कपूर, यस सर. अनिल कपूर जवानी के सारे फल खा गया. सो द रीज़न वॉज नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल रस. सर कुछ ऐसे रिसोर्सेस रहते हैं, कॉमन रिसोर्सेस रहते हैं लाइक फॉरेस्ट, बैक वाटर, बायोडाइवर्सिटी. अभी क्या होता है बेसिकली बैक वाटर बायोडाइवर्सिटी, मेरे को पहले पता नहीं था, फिर मैंने रिसर्च किया. एक्चुअली ऐसा क्लोज्ड एरिया रहता है जिसके अंदर आप थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ कल्टिवेट करते हैं. मैंने बैक वाटर बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्रैब बोले केकड़े, इनका वो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन होते हुए देखा है. यानी कि वहाँ पे उनको कल्टीवेट नहीं बोल सकते हैं, पता नहीं क्या जो भी वर्ड है, उनको पालते हैं, पैदा करवाते हैं वहाँ पे और फिर बेचते हैं उनको मार्केट में. बैक वाटर बायोडाइवर्सिटी, ग्रास लैंड, देन जितनी भी चीज़ है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस वगैरह आपके हैं, आप ये इसको कंज्यूम करने से रोक नहीं सकते किसी को. यू कैनॉट कंज्यूम, यू कैनॉट प्रिवेंट एनी वन फ्रॉम कंजम्पशन, बट वंस इट इज कंज्यूम इट इज लॉस्ट. अनदर पर्सन कैनॉट कंज्यूम इट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ये रहता है ना वॉच टावर रहता है जो कोस्टल एरिया में रहता है सी शोर पे, अब वो उसकी लाइट आती है सबको यूज कर सकते हैं. अभी एक स्ट्रीट लाइट की बात कर लेते हैं. अब स्ट्रीट लाइट के नीचे अगर विकास खड़ा है तो उमंग भी आके खड़ा हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कि लाइट बढ़ जाएगी, विकास जादू है, वो सारी धूप खा गया, सारी लाइट खा गया, ऐसा तो होगा नहीं. हर कोई इसको इंडिविजिबली यूज कर सकता है. पर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन में क्या होता है, कुछ ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसको कंज्यूम करने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते, पर उसने कंज्यूम कर ले तो खत्म हो जाएंगे. जैसे अनिल कपूर एक दिन जंगल में चला गया और जवानी के फल खा गया. अब वो जवानी का फल अकेला उसी के पास है, आप उसे रोक नहीं पाए बिकॉज इट वॉज नॉन एक्सक्लूडेबल, बट इट वॉज राइवल रस, इसलिए अब वो फल है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं. 60-65 साल की उम्र में वो मेरे से ज़्यादा जवान दिख रहा है. 2-4 साल बाद तो और यंग दिखेगा. मतलब मेरे से ज़्यादा जवान नहीं दिख रहा, पर जवान तो दिख रहा है. The economists use the word tragedy of common to describe the fact that the goods are rivalrous but are non-excludable. Example लिख देना, अनिल कपूर मत लिख देना बेटा, backwater biodiversity, green land, grassland, वो सारी चीज़ें लिख देना. तुम हर चीज में एक्सेप्शन ले आते हो. मेरे को कुछ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन के लिए मुझे कुछ याद था, मैं भूल गया. मुझे एक फनी एग्जांपल याद था. खैर अभी जस्ट बात करते करते बना था, आ जाएगा यार. व्हाई हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट प्योर पब्लिक गुड? व्हाई एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर नॉट प्योर पब्लिक गुड? आपको हॉस्पिटल का बता दिया मैंने ऑलरेडी, हेल्थ का बता दिया. एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी सी दिस हेल्थ एंड एजुकेशन इज मेरिट गुड. व्हाट डू यू मीन बाय मेरिट गुड? मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर सोशली डिजायरेबल एंड गिव्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. वी अग्री दैट दिस गुड्स आर मेरिट गुड, हाउएवर दे आर नॉट प्योर पब्लिक गुड बिकॉज प्योर पब्लिक गुड पजेसेस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस. मेडिकल फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर सकते, कई बार वो भी फीस चार्ज करते हैं. सो सम पीपल हु डोंट हैव दैट मच पेइंग कैपेसिटी, 20-50-100 रुपए भी पे नहीं कर सकते. देयर आर पीपल हु कैन नॉट पे दिस मच, दे आर एक्सक्लूडेड. एज वेल एज एजुकेशन, भैया एजुकेशन इज ऑल्सो एक्सक्लूडेबल. किस तरीके से सर? आप बोलते यूनिफॉर्म पहन के आओ,
नहीं है भाई, गरीब के पास पैसा नहीं ला सकता हो। तुम बोलोगे बैग, स्लेट, पुस्तक, पार्टी, ये सारी चीज़ें लेकर आओ। तुम बोलोगे स्कूल में इतनी इतनी फीस पे कर रही है, नहीं है पॉसिबल उसके लिए, यू आर एक्सक्लूडिंग इट। हेल्थ एंड एजुकेशन पजेसेस नियरली ऑल क्वालिटी ऑफ प्राइवेट गुड एंड सम बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड। इसे कॉसी पब्लिक गुड बोलते हैं। इट इज ईजी टू कीप पीपल अवे बाय चार्जिंग अ प्राइस और फीस। हाउएवर इट इज अनडिजायरेबल टू कीप पीपल अवे फ्रॉम सच गुड बिकॉज द गुड वुड बी बेटर ऑफ if more people consume them, so they are called as merit good. These are merit goods. सर ये ऐसे goods हैं जो socially desirable है और market में positive externality भी देंगे। However, government charge some fees. नहीं तो सर क्या हो जाएगा, crowding effect हो जाएगा। कुत्ते वाला है ना। नहीं दूसरा वो tragedy of common कुछ था, मैं भूल गया। सेम चीज़ें रिपीट रिपीट होती जाती है इसके अंदर, कुछ खास है नहीं, बट इट्स क्वाइट लेंथी। लिख पाओगे एग्जाम में? हाँ जी, एग्जाम में लिख पाएंगे आप? एक्सप्लेन द टर्म कॉसी पब्लिक गुड। कॉसी पब्लिक गुड सर, कॉसी पब्लिक गुड यानी कि वो होता है जिसके अंदर क्वालिटी रहती है प्राइवेट की और बेनिफिट रहते हैं पब्लिक के। सर मतलब सुंदर भी और सुशील भी, ऐसी सुकन्या जिस दिन आपको मिल जाए तो भैया कॉसी, यानी कि प्राइवेट के बेनिफिट, नहीं सॉरी प्राइवेट की क्वालिटी। सर जैसे प्राइवेट सेक्टर है ना उस टाइप की मस्त मक्खन क्वालिटी, और सर बेनिफिट है पब्लिक गुड्स के, यानी कि जो चाहे उसको यूज कर सकता है, इसको बोला जाएगा कॉसी पब्लिक गुड। सुंदर भी सुशील भी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सर एजुकेशन और हेल्थ केयर, इसमें क्वालिटी है प्राइवेट की और बेनिफिट है पब्लिक के। और सर बाकी कहानी सेम रिपीट हुई है, आप क्वेश्चन 19 और 20 को पढ़िए, सेम रिपीट करा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मारा है इन्होंने। थोड़ा नहीं बहुत लिख पाओगे तुम, अभी लग रहा है ऐसा। मैंने आपकी एमटीपी देखी, एमटीपी में रेशो का क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, इक्वेशंस बन रही है उसमें। किसी ने देखा एमटीपी? करवानी है मुझे, रेशो का क्वेश्चन बहुत मस्त करवाया उसके अंदर। एमटीपी नवंबर 20 आई एम टॉकिंग अबाउट। तन्मय आदेश रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, किसी दिन अनलिस्ट ज़रूर हो सकती है। मैं किसी रीज़न से अगर इसको अनलिस्ट कर देता हूँ तो अनलिस्ट करके मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसको तो मोनिटाइज करके छोड़ूंगा, इससे तो पैसे कमाने हैं अपने को वीडियो से। सर FM की इजी आता है क्या क्वेश्चन पेपर? यस, FM इको इज़ द मोस्ट और द ईजीएस्ट पेपर। पब्लिक गुड डू नॉट यूज अप एक्स्ट्रा रिसोर्स एज एडिशनल पीपल कंज्यूम देम। वाई? अरे वाई का मतलब क्या हो गया सर? सर ये कॉमन रिसोर्सेस है, ये शेयर्ड रिसोर्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग अंडर द क्या बोलते स्ट्रीट लाइट, सो भैया कोई दूसरा बंदा भी वहाँ पर आ जाए, यू डू नॉट हैव टू पुट एडिशनल ट्यूबलाइट देयर कि भैया दो बंदे आ गए, अब दो ट्यूबलाइट दो स्ट्रीट लाइट लगेगी, नहीं ऐसा है। दे आर यूज्ड इंडिविजिबली, दे आर स्प्रेड इंडिविजिबली, तो सबको यूज कर सकता है। एज पब्लिक गुड इज डिफाइंड एज ऑन विच ऑल इंडिविजुअल इंजॉयज इन कॉमन इन द सेंस दैट ईच इंडिविजुअल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीड टू नो सब्सट्रैक्शन फ्रॉम एनी अदर इंडिविजुअल कंजम्पशन ऑफ दैट गुड।
तो कोई एक बंदा कंज्यूम कर रहा है तो दूसरा बंदा भी उसको कंज्यूम कर सकता है, देयर इज नो सब्ट्रैक्शन इन द वैल्यू, कोई वैल्यू में रिडक्शन नहीं होता है, इट इज नॉन राइवलरस इन नेचर, एक ने कंज्यूम कर लिया दूसरा बंदा उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज कलेक्टिव कंजम्पशन गुड और सोशल गुड। वंस अ पब्लिक गुड इज प्रोवाइडेड द एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट टू अनदर पर्सन ऑन कंज्यूमिंग द गुड इज जीरो। अ गुड एग्जाम्पल इज लाइट हाउस नियर अ सी शोर टू गाइड द शिप। वंस द इंस्पिरेशन इज स्टार्ट बर्निंग एंड एडिशनल शिप कैन यूज इट विदाउट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोविजन। सर एक बार आपने स्ट्रीट लाइट लगा दी तो एक बंदा खड़ा रहे, दो बंदा खड़ा रहे, 50 बंदे खड़े रहे, तो भाई आपको कोई एडिशनल कॉस्ट देने की थोड़ी जरूरत है, बिकॉज इट इज नॉन राइवलरस इन नेचर। सर कैन वी यूज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन विद सब्सिडी फॉर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, द सब्सिडी इज लिमिटेड। यस पर देर इज एक्सक्लूडिबिलिटी एज वेल, सो इन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन या फिर कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस में मेन पार्ट क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, बट देर आर मेनी पीपल हु आर ऑलरेडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और गेटिंग द सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। इफ देर इज अ फेयर गेम देन इन दैट केस यस वी कैन से कॉमन और द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन और कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज। हाउ एवर दे हैव यूज दिस वर्ड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन फॉर द इन्वायरमेंटल गुड्स ओनली, सो आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट द सिमिलर कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड ऑन दिस केस ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन। हाउ एवर दिस ट्रेजेडी ऑफ कॉमन और कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस आर बेसिकली दोज रिसोर्सेस विच आर इन्वायरमेंटल, बिकॉज इन एग्जाम्पल दे हैव मेंशन्ड दोज गुड्स ओनली, बट सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। नो एडिशनल रिसोर्स, नो एडिशनल कॉस्ट, कुछ एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं, इंडिविजिबली स्प्रेड, एवरी वन कैन यूज इट, नो एडिशनल कॉस्ट इज इन्वॉल्व, ये चीज बोलिए। ओके, हाउ सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड। भाई बहुत सिंपल है, प्राइवेट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट विच इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेनर, व्हाट डू यू पे टू देम। सर वी पे रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो प्राइवेट कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ दिस पार्ट, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सोशल कॉस्ट इज नथिंग बट प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी सोशल कॉस्ट इज लेस, प्राइवेट कॉस्ट इज मोर। इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्राइवेट कॉस्ट इज लेस, सोशल कॉस्ट इज मोर। बात समझ में आई? और पढ़ते हैं इन्होंने क्या बोला। इट इज द कॉस्ट फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। सोशल कॉस्ट, इट रेफर्स टू द सोशल कॉस्ट टू द सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी। कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज बाय द प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायरेक्टली, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट बॉर्न बाय थर्ड पार्टी नॉट डायरेक्टली। व्हेन नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट प्राइवेट कॉस्ट इज लेस, यस सोशल कॉस्ट इज मोर, और इधर क्या, सोशल कॉस्ट इज लेस, प्राइवेट कॉस्ट इज मोर। यहां पे दो दो जगह नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी लिख दिया गया, यहां पे आप पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, जब पॉजिटिव होता है, जब भी पॉजिटिव होता है सोशल कॉस्ट कम रहती है, प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा रहती है। नेगेटिव रहता है सोशल कॉस्ट ज्यादा रहती है, प्राइवेट कॉस्ट कम रहते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड इन लॉरी वाटर स्केयर्स लोकेशन। ऐसा मत करो, इको को नेग्लेक्ट मत करो। तुमने पता नहीं किससे पढ़ा है, पर मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट इको को उतना ही इक्वल वेटेज देता है। FM पढ़ा के साइड में रख दिया, बिकॉज इट इज़ ईजी। ये डिफिकल्ट पार्ट है तो एफर्ट्स लेने का टाइम है तो अपन कर रहे हैं। नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी वेग एंड इट इज़ वेरी वास्ट। 40 मार्क्स को जस्टिफाई नहीं करता ये, ऑल दो चार चैप्टर है, बट द लैंग्वेज, और यहाँ पे MCQs भी नहीं दिए। मैं तो बोलता 20 मार्क्स से MCQ कर देने चाहिए थे, 20 मार्क्स से MCQ करो, 20 मार्क्स का राइटिंग कर दो, MCQ के अंदर डाल दो, तुम प्रैक्टिकल पार्ट भी डाल दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट है,
प्योर पब्लिक एंड इम्प्योर पब्लिक. प्योर पब्लिक नॉन राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल, और दोनों में से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर चला गया तो इम्प्योर पब्लिक गुड. प्योर पब्लिक गुड के केस में हाई चांसेस हैं फ्री राइडिंग के. इम्प्योर पब्लिक गुड्स के केस में आपने फ्री राइडिंग अवॉइड करने के लिए उसको इम्प्योर बनाया बेसिकली. लेट्स रीड द डिफरेंस. क्या प्राइवेट और सोशल कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. आपको बस इतना कन्फर्म करना है कि आप लिख पाओगे या नहीं आंसर में. कंटेंट मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा बताया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन विल यू बी एबल टू राइट एन एग्जाम ये आपको सोचना है. नहीं तो आप पूछेंगे कि सर इसको कैसे लिखना है, तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा. सर पर पेपर चेकर सी है इसलिए, तो अच्छी बात है ना सी है तो. मेरा मोबाइल सिर्फ 3% रह गया. चेक दिस आउट, प्राइवेट और सोशल की बात कर रहा हूँ, 23rd बाकी है. लेट्स एटलीस्ट कवर 30 क्वेश्चंस टुडे. हो जाएंगे 30, 24 हो जाएगा, बड़ा है 25 हो जाएगा, 26 फ्री राइडर प्रॉब्लम कॉमन एक्सरसाइज. लेट्स एटलीस्ट कंप्लीट 28 क्वेश्चन. 30 करके फ़ायदा नहीं है. टुमारो विल कंप्लीट सेकेंड यूनिट एज वेल, इट्स क्वाइट बिग. डे आफ्टर इट वी विल कंप्लीट यूनिट नंबर 3, इज़ वेरी स्मॉल. यूनिट नंबर 4 ऑल्सो विल बी कवर्ड इन 3rd और 4th लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली. यस, एटलीस्ट कवर 30, 28. जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विथ 1 step. भैया है अपने को 400 के करीब, 400 तो नहीं 300 के करीब क्वेश्चन हैं, बट वी आर ऑलरेडी हाफ वे डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द क्राइटेरिया यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर. लेट्स रीड दिस आउट. अ प्योर पब्लिक गुड इज नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. इम्प्योर पब्लिक गुड्स, इम्प्योर पब्लिक गुड्स आर पार्शियली राइवलरस और कंजेस्टेबल. सिंस द गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल देर इज नो प्राइस मैकेनिज्म. सीधी सी बात है सर, प्योर पब्लिक गुड्स के केस में कोई प्राइस मैकेनिज्म होता ही नहीं. जैसे ही तुमने प्राइस चार्ज कर दिया, यू आर एक्सक्लूडिंग सम पीपल फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ बेनिफिट. ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली कोई भी प्राइस मैकेनिज्म नहीं होगा. कंजेंशन होता है और फ्री राइडिंग प्रॉब्लम होता है. सर देखो, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस है, तुम पैसा चार्ज नहीं कर सकते इसलिए फ्री राइडिंग और कंजेंशन होगा. इम्प्योर पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है सर, पार्शियली राइवलरस पार्शियली एक्सक्लूडेबल होता है. सिंस द गुड्स आर एक्सक्लूडेबल द मार्केट कैन प्रोवाइड अ प्राइस मैकेनिज्म. उल्टा बोल दिया, सिंस देयर इज प्राइस मैकेनिज्म वो एक्सक्लूडेबल बन जाते हैं. अच्छा, एक्सक्लूड करने का रीजन क्या था, सॉरी प्राइस चार्ज करने का रीजन क्या था, एक्सक्लूड करना लोगों को. क्यों एक्सक्लूड करना था, फ्री राइडिंग अवॉइड करी जाए, कंजेक्शन अवॉइड करा जाए. द प्रोवाइडर ऑफ गुड मे बी एबल टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ कंजेक्शन बाय रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु मे यूज इट और द फ्रीक्वेंसी विथ विच इट मे बी यूज और बोथ. भैया ये तो समझ गया, नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इट, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में नहीं आया. अच्छा, कितने लोग अम्यूजमेंट पार्क में गए हैं. मैं एक में गया हूं, थीम पार्क में, इमेजिका में गया. कोई गया है इमेजिका वगैरह वगैरह, अम्यूजमेंट पार्क इमेजिका? या गया है क्या आप में से, कौन कौन गया है का? थीम पार्क, थीम पार्क में क्या होता है बेसिकली, वो आपके यहां पे एक बैंड बांध देते हैं. ठीक है, आपको राइड लेने देते हैं, लेकिन आपका क्या एक राइड से मन नहीं भरता, आप बोलते और करवाओ और करवाओ. तो उनका एक रूल रहता है कि ठीक है तेरे को एक और राइड लेनी है ना, सिंपल सी चीज है, तू उतर वापस आके लाइन में लग जा. तो क्या किया इन्होंने, एक्सक्लूड करना चालू किया या फिर मिनिमम प्राइस चार्ज करना चालू कर दिया कि भैया 5 राइड तक फ्री है, 6ठी राइड से आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते. ऑटोमेटिकली लोग अपने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट चेक करने लग जाते हैं, एडिशनल सेटिस्फेक्शन एडिशनल कॉस्ट चेक करने लग जाते हैं. देख बेटा कौन है यहाँ पे, उमंग फिर से मार्जिनल वर्ड आया, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट, एडिशनल कॉस्ट एडिशनल बेनिफिट चेक करना चालू कर देते हैं.
तो पर्पसली प्योर पब्लिक को इम्प्योर पब्लिक बनाया जाता है, क्यों? कंजेशन, फ्री राइडिंग और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए। सो आई थिंक यू गॉट इट। प्योर पब्लिक गुड्स आर दोज पब्लिक गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, बट इफ दे पजेस एनी ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरस नेचर, देन इट विल बी इम्प्योर पब्लिक गुड्स। यहाँ पर कोई प्राइस चार्ज नहीं किया जाता है, यहाँ पे प्राइस चार्ज किया जाता है पर्पसली। यहाँ पे कंजंक्शन होता है, यहाँ पे अवॉइड कर दिया जाता है कंजंक्शन। स्कूल ट्रिप गई थी, एडवेंचर आइलैंड गया था। हाँ तो सेम वहीं पर होगा, लॉन्ग बैक नहीं। हाँ यस, कृष्ण राइट, स्कूल डायरीज, स्कूल डायरीज। क्या करते हो उस डायरीज का तुम? आग लगा के फूंक दूँ मैं तो? मेरा स्कूलिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही हद खराब था भाई, स्कूलिंग और 11th 12th का कॉलेज एक्सपीरियंस, जूनियर कॉलेज एक्सपीरियंस, दोनों खराब। जूनियर कॉलेज में तो भाई जितने पॉलिटिशियंस रहते हैं उनके बच्चों के बीच में पढ़ता था, दिन भर ऐसे जान हथेली में लेके घूमता था, कहीं कट्टा वट्टा ना मार दे मेरे को। स्कूल में तो ऐसे झगड़ालू बच्चे थे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, विचित्र जगह पढ़ा हूँ मैं दोनों जगह। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक गुड, हाउ डू पब्लिक गुड कॉज मार्केट फेलियर? ए भाई कितनी बार पूछेगा पब्लिक गुड? सर पब्लिक गुड्स के केस में नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर हो जाता है, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम हो जाती है। आइए जी पढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड। ये अगर क्वेश्चन आ गए तो आपको पॉइंटर्स याद रहने चाहिए, मैं सारे एक्सप्लेन तो कर दूंगा। प्योर पब्लिक गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स आर दोज पब्लिक गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस इन नेचर, नो प्राइस मैकेनिज्म। क्वासी पब्लिक गुड्स, सर क्वासी, क्वासी यानी दीज आर दोज पब्लिक गुड्स विच पजेसेस द क्वालिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स, प्रेरणा है सर उसमें, एंड दे हैव द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, यानी सर यूज कोई कर सकता है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत भारी है। सर दीज आर दोज गुड्स जिसकी क्वालिटी पब्लिक गुड्स जैसी, प्राइवेट गुड्स जैसी है और बेनिफिट पब्लिक गुड्स है। देन ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ग्लोबल पब्लिक गुड्स लाइक एनवायरमेंट एक्सेट्रा, दीज आर दोज पब्लिक गुड्स, दीज आर समथिंग विच इज इंडिविजिबली स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, चारों तरफ फैला हुआ है, एंड देयर इज नो प्राइस मैकेनिज्म आइदर बाय गवर्नमेंट और बाय मार्केट टू कंट्रोल द एफिशिएंसी। ग्लोबल पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इंडिविजिबली स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब एंड देयर इज नो प्राइस मैकेनिज्म आइदर बाय गवर्नमेंट और बाय मार्केट टू कंट्रोल द फेलियर। कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज बता चुका हूं, नॉन एक्सक्लूडेबल बट ट्रैवलरस, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन हो जाती है यहां पे। देयर आर मोर बट ठीक है, हमें इतना ही बोला है क्या रे भाई। अभी यहां पर देखो ये विचित्र से कोई भी चीज आ जाती है, कई बार तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें रहती है ना, तुम बोलोगे सर क्या क्या देखते हैं? नहीं ये कुछ तो भी फ्लैश एड्स है, पॉपअप एड्स है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्यूटी बोनांजा गेट डेली डोज ऑफ अमेजिंग ऑफर्स, ब्यूटी बोनांजा। अब ये ऐसी ऐसी हरकत नहीं करता मैं, तो ये कहीं से भी आ जाता है, तो किसी दिन तुम्हें दिखे तो एटलीस्ट तुम लोग तो जज मत करना मेरे को, कुछ भी आ जाता है वापस आएगा। अब बड़ी अजीब अजीब से ऐड आती है, कैसे एक बॉम्बे की हाउसवाइफ ने 4 दिन में कमाए 17 लाख रुपए, जानिए ये टिप्स। गंजेपन का इलाज, मोटापे का इलाज, ना ही मैं गंजा ना ही मैं मोटा, ना ही मेरे को भैया उनको कैसे कमा रहे जानने में इंटरेस्ट है, पर ऐसी पॉपअप्स आ जाते हैं। और ये इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ना, आपको बताया सिस्टम में प्रॉब्लम है और ये छोटी छोटी एडिटिंग नहीं कर पाता। वी डोंट नीड दैट सर, आपका इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड आते हैं? नहीं नहीं मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड नहीं आते हैं, यहाँ पर ये कुछ तो फ्लाई ऐड लग चुका है पता नहीं कैसे, तो भी अपने आप ऐड ब्लॉकर एक्सटेंशन में मिलता है सर गूगल क्रोम। अरे बड़ी अजीब चीज़ें आती है इधर भाई। नहीं मैं बता रहा हूँ तुमको भाई, ये मेरी कोई इंटरेस्ट बेस ऐड नहीं, गंजेपन का, मोटापे का, ब्यूटी पार्लर, नहीं नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये सारी चीज़ें। तो किसी ने दिख जाए तो जज नहीं करना मेरे को और उल्टा मेरे फेवर में उतरना कि नहीं ये गूगल ही गलत है। ओके, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम द यूज ऑफ इम्प्योर पब्लिक गुड? व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम द यूज ऑफ इम्प्योर पब्लिक गुड? सर इम्प्योर पब्लिक गुड क्या रहते हैं? सर सर इम्प्योर पब्लिक गुड वो रहते हैं जो प्योर नहीं रहते हैं। हाँ सर वो तो समझ गया, आगे बताओ। इसका मतलब है वहां पे थोड़ा सा प्राइस मैकेनिज्म चार्ज किया जाता है। क्यों प्राइस मैकेनिज्म चार्ज किया जाता है? मैंने आपको बताया था कंजेशन जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए, फ्री राइडिंग फुकट में घूमने वालों को अवॉइड करने के लिए। सोचो जरा बस और रेलवे आपको पूरी तरीके से फ्री हो जाए तो आज आप यहाँ पे कल आप कहीं और मिलेंगे मुझको, बात सही है कि नहीं? वो अवॉइड और कंजेशन अवॉइड करने के लिए।
सर 5 पैसा इज आस्किंग फॉर 300, आपने बोले थे बनाना। हाँ कर लो, लगा लो, वो आपको 500 का बेनिफिट दे देगा। जैसे मैंने अकाउंट ओपन किया था तो उन्होंने मेरे को निफ्टी 20 दे दिए थे 500 रुपए के। कर लो 300 लगा दो। हाँ लगा दे पैसा आर्यन, मेरा ध्यान थोड़ी रहेगा, मोबाइल पे थोड़ी ध्यान रहेगा। कितने सेकंड में तुम रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हो बेटा? हाइट ऑफ इंटॉलरेंस 637 को डाउट पूछ रहा है, 637 को सर करके पूछ रहा है। अरे मैं उधर ध्यान दूँ या पढ़ाने में ध्यान दूँ? बेटा इश्क है तो रिस्क है, इश्क है तो रिस्क है, क्यों रिस्क नहीं? 500 रुपये में तेरी जायदाद कौन लूट के ले जाएगा? करोड़ों की कंपनी 500 रुपये नहीं खाने के लिए बैठी कि भैया आर्यन जैन आएगा। अब जैन साहब आप पैसे की परवाह कर रहे हैं? जैन साहब लगा दो, आधी जायदाद लगा दो। मैं तो बोलता हूँ मजाक करो, आधी जायदाद मत लगाना, 500 लगा रहे लगा ले। हाँ भाई रिस्क क्या बोलते हैं, रिस्क नहीं लेगा तो मार्केट में कर क्या रहा है तू? यहाँ हाथ जलाने पड़ते हैं अपने को, तुम हाथ नहीं जलाओगे तो क्या होगा? सर डिस्क्राइब फ्री राइडिंग प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पब्लिक गुड विद सूटेबल एग्जांपल, व्हाट आर द आउटकम, व्हाट वुड बी द आउटकम? बेटा आउटकम एक ही है, अगर हर कोई फ्री राइडिंग करने लग गया तो फ्री राइडिंग विल बी इम्पॉसिबल। हमने फ्री राइडिंग पढ़ लिया था, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री राइडिंग प्रॉब्लम? फ्री राइडिंग इज द प्रॉब्लम, और फ्री राइडिंग प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम वेयर बाय वन पर्सन टेक्स द बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर बिकॉज ही डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू पे। उसको कोई फायदा नहीं लगता है, उसको लगता है कि सामने वाला पे कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है, एंड द हैबिट ऑफ पीपल टू एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है, देखो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं ऑलरेडी वर्ड, इंसेंटिव टू लेट अदर पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेस, दूसरों के पैसे पे मजे करना। फ्री राइडिंग अगर हर कोई करने लगे तो फ्री राइडिंग इम्पॉसिबल हो गई। समझो, इमेजिन करो तुम एक बस में चढ़े हो जहां पे सब तुम्हारे जैसे मुफ्त घोर है, सब सोच रहे हैं कि मुझे छोड़ के बाकी सब ने टिकट ले रखा है। एक ऐसी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, एक मिनट के अंदर हो जाएगी। एक बार ना एक राजा रहता है, और राजा लोगों को कुछ खास काम तो रहता नहीं था, तो एक दिन राजा बोलता है कि मैं आज दूध से स्नान करेगा, दूध स्नान, और मैं दूध से नहाएगा। वो बोलता है आज से दूध से नहाना, प्रजा को बोलता है देखो मैं तुम पे बर्डन नहीं डालना चाहता, तुम सब सिर्फ एक एक लोटा दूध तो ले ही आ सकते हो, ठीक है मेरा भी हो जाएगा, मैं इतना तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। फिर कुछ लोग निकले, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया इतना सारा तालाब है, इतना बड़ा तालाब है, उसमें अगर सब दूध डाल रहे हैं, मैंने एक लोटा पानी डाल दिया, किसको क्या पता चल रहा है? ऐसा हर कोई सोचने लग गया, हर कोई फ्री राइडिंग करना चालू कर दिया। राजा थोड़ी देर बाद स्नान करने के लिए आया, नहाने के लिए आया, और उसने देखा कि भैया पानी ही पानी है। सो फ्री राइडिंग बाय एवरीवन विल मेक फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। सर कहना क्या चाहती है इंस्टीट्यूट कि भैया तेरे पास कोई अगर ऐसी स्कीम है तो चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को मत बता, अपनी स्कीम अपने पास रख। जैसे जोमैटो गोल्ड, उबर शेयर, ओला शेयर, वो तो क्या हो गया, आप सबके लिए कॉमन ही हो गया, नहीं बतानी चाहिए थी स्कीम चिल्ला चिल्ला के। अभी अनएम्प्लॉयड है तो क्या हो गया? बेटा तू HUF का पार्ट है, तू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए तूने पता है कितने कष्ट किए, पैदा होना पड़ा अपने को, पैदा हुआ तू उस फैमिली का पार्ट है। आज ही जा बोल मेरे को पार्स नेहरू पार्टीशन चाहिए, मेरे को लात मार के निकाल देंगे, 500 तो लगा ही सकते हो। तो बेटा अगर रिस्क लेने से डर लगता है तो जिस दिन अर्न करोगे उस दिन डालना, लेकिन जिस दिन तुम अर्न करना चालू करोगे ना उस दिन खुद का पैसा रिस्की स्टॉक में डालोगे ही नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बोलूँ। आज ही है लर्न करने की बात, ये तो अजीब बात है कि तुम लर्न करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते पर अर्न करना चाहते हो, उससे नहीं पॉसिबल। माचो मैन, ही इज माचो मैन। पढ़िए सर, एज सच इफ द फ्री राइडिंग प्रॉब्लम कैनॉट बी सॉल्व द फॉलोइंग टू आउटकम्स आ जाएंगे। अगर मान लो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी गई, अगर हर कोई फ्री राइडिंग प्रॉब्लम करेगा तो फ्री राइडिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन अगर फ्री राइडिंग नहीं करी अपन ने तो क्या हो जाएगा? नो पब्लिक गुड विल बी प्रोवाइडेड इन द मार्केट मेकर। अगर सर पूरी क्लास ही दंगा करने लग गए तो टीचर क्लास ही नहीं लेगा, सर गुड्स ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम गुड्स ही नहीं देंगे हम तुम्हें।
प्राइवेट मार्केट विल सीरियसली अंडर प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स इवन दो दिस गुड्स प्रोवाइड वैल्यू टू द सोसाइटी। अगर ऐसा हर कोई करने लग गया ना तो कोई भी कलेक्टिव गुड्स बनाएगा ही नहीं, क्या होगा सोसाइटी का। तो विकास को बोलो तुम कल से फुकट में ट्रैवल ना करें। नियरली 8K हो गया है अभी तक, एक क्रिप्टो विप्टो अपन नहीं करते हैं। समथिंग विच हैज गॉट नो इंट्रेंसिक वैल्यू आई डू नॉट इन्वेस्ट देयर। कोई भी चीज में को बेनिफिट नहीं लगता अपन पैसा डालते ही नहीं है उसके अंदर। क्या है, देयर इज नो इंट्रेंसिक वैल्यू, प्योरली डिमांड एंड सप्लाई स्पेकुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, कांट वर्क ऑन दैट थिंग। 2% रह गया मेरा फोन, सो फोन शट भी हो सकता है कुछ देर में। सर साइड इनकम कैसे जनरेट करें, वी ऑल आर स्टूडेंट्स, सो यू गेव मी द आंसर। गाइस यू आर स्टूडेंट, साइड इनकम जनरेट नहीं करनी चाहिए। क्यों जनरेट करनी है तुम्हें इनकम, साइड इनकम? एक बार काम करने लग गया ना, एक बार हाथ में पैसा आ गया ना, फिर पढ़ाई नहीं होती। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं अच्छा अर्न कर सकता था पहले से, मेरे पास अपॉर्चुनिटी शुरू से थी, लेकिन मैंने पढ़ाई को चूज किया। नहीं पढ़ने पढ़ाते समय बिल्कुल नहीं इन चीज़ों पर ध्यान रखना, माइंड टोटली डाइवर्ट होता है। पैसा बहुत विचित्र चीज़ है, उस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अप्लाई नहीं होता। डिफाइन कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस, वो सर मैं नहीं बताने वाला। चलो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, फिशरीज, कॉमन ग्रासलैंड, रिवर्स, नदी, पानी, तालाब, बैकवाटर, बायोडाइवर्सिटी, मैं नहीं बताने वाला। कॉमन एक्सेस रिसोर्सेस आप देखिए। सर मेरा भी वह हालत है सर, वेरी ट्रू, इन्वेस्टमेंट का। सर आजकल इनवॉइस डिस्काउंटिंग अच्छा वेंचर है, रिस्क छ, पैसे का नशा सबसे खतरनाक। सर आप CFA कर रहे हो क्या? हाँ जी मैं CFA कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हुए। पैसा आने लगने से ये होता है, आई नो। सर 1 साल से घर बैठा है, अब तो घर वाले भी ताने देते हैं, तो बोल बाहर जाता हूँ। ऋतिक राज, इम्पॉसिबल, दैट इज माई कोर सब्जेक्ट, दैट इज माई क्रीम पार्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, और 3-4 चैप्टर मेरे क्रीम पार्ट है। ये मैं आपका लाइव रिवीजन करवा चुका हूँ मैराथन पे, फिर तुम लोग आए नहीं तब मैराथन में, मैराथन करवाए तब नहीं आए, मैराथन अपलोड कर लिया वो नहीं देखने, ऊपर से फिर लाइव बोल रहे हो, वो तो नहीं है पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। लाइव ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना बेटा, ये मैं मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, मुझे भी क्वेश्चन बैंक रिकॉर्ड करना था इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है। लाइव रिवीजन अब किसी चीज़ का ऐसा सच नहीं आने वाला है। मैराथन करवाया तब क्यों नहीं है, और मैराथन क्यों डाला है फिर? निर्लज्ज सदा सुखी बोला जाता है। अप्रेस द रोल ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन जनरेटिंग मार्केट फेलियर। सर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से मार्केट फेलियर क्यों होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मीन्स इन अ ट्रांजेक्शन आइदर बायर और द सेलर इज हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन देन द अदर पार्टी। हो सकता है बायर इज हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है सेलर इज हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स देयर इज अ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। सर इससे मार्केट फेलियर कैसे होता है, पढ़िए। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन रियल मार्केट आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। सर इन्फॉर्मेशन फेलियर क्यों होता है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। 2-4 दिन से आपका पेट दुख रहा है, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, रिपोर्ट निकाली, समझिए कौन गया, ऑलराउंडर तेरा असली नाम क्या है, ऑलराउंडर तेरा असली नाम क्या है, बहुत डिटेल में था, तकड़ा क्वेश्चन। यस सोलह घंटे का मैराथन, सही बात है, ऑलराउंडर चला गया लगता है। नहीं नहीं बेटा कोई, सुरेश जैन, चलिए सुरेश जैन गए डॉक्टर के पास, मेरा फोन है 1%, तो अब कमेंट थोड़ी देर बाद देख नहीं पाऊंगा। तो सुरेश जैन गए डॉक्टर के पास, 3-4 दिन से पेट दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने बोला यू आर प्रेग्नेंट। है सुरेश जैन? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर बोलता नहीं नहीं नहीं, उसने देखा भाई लड़का है, लड़का प्रेग्नेंट थोड़ी हो सकता है, तो वो बोलता है नहीं तुम्हारे को किडनी स्टोन है। बोला डॉक्टर साहब कुछ भी करो किडनी स्टोन निकाल दो, कुछ भी करो किडनी स्टोन निकाल दो बस। और डॉक्टर ने आपको 4 दवाई दी, पता चला एक्चुअल में आपको गैस थी पेट में, डॉक्टर ने आपको बोला किडनी स्टोन, आपसे पैसे लूट लिए। अब आप चाहकर भी तो चेक नहीं कर सकते थे, आप तो एक्सपर्ट के पास गए,
पर फिर भी कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होने के कारण असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन थी, डॉक्टर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी आपको कम थी, और ये रियल में होता है, इसलिए लोग सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। भैया सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरे डॉक्टर के पास जाना, ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके बीमारी खत्म हो जाएगी, पर कन्फर्म करना कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर बहुत करते थे। इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल क्विकली एंड चीपली, सर इन्फॉर्मेशन क्विकली चीपली अवेलेबल नहीं रहती। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं सर गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती, क्या बोलो अभी वर्ड यूज नहीं कर सकते, गूगल पे सब स्टेल इन्फॉर्मेशन रहती, सब पुरानी गई गुजरी बासी इन्फॉर्मेशन रहती है, मार्केट में सब चेंज आ जाते हैं उसके बाद इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। नेक्स्ट है इग्नोरेंट बायर एंड इग्नोरेंट सेलर, जो जानना ही नहीं चाहता, जो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं करना चाहता, वो घर बैठे रहना चाहता है। अब मान लो तुम अमेजोन पे, एक दिन मैं देख रहा था काली हल्दी, भैया काली हल्दी, हाँ भैया काली हल्दी देख रहा था 5,000-6,000 रुपए किलो, वही मैंने इंडिया मार्ट पर देखी 800-900 रुपए किलो। मैंने बोला वाह भाई मस्त बिजनेस है, काली हल्दी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती है उसके अंदर। तो इग्नोरेंट बायर जिसको पता ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के कारण भी इन्फॉर्मेशन फेलियर होता है। कॉम्प्लेक्स नेचर, इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल रेडिली एंड क्विकली, नेक्स्ट इग्नोरेंट बायर और इग्नोरेंट सेलर, इसलिए भी इन्फॉर्मेशन फेलियर होता है, यानी मार्केट फेलियर होता है। डिड यू गेट दिस? जैन तो अमीर पार्टी होती, मैं वही बोला शाह, जैसे शाह अमीर पार्टी है वैसे जैन अमीर पार्टी है। ये दस्सानी, दस्सानी बोले तो सिंधी, ये भी अमीर है, राठी भी अमीर है। जवानी का फल, अगर कोई जवानी के फल बेच रहे। तो चलिए आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, हमने 11 मिनट पहले ही कर लिया, सो वी आर क्वाइट एफिशिएंट। अच्छा दस्सानी भी जैन होते हैं, मेरे कुछ पहचान में दस्सानी मैंने सुना है, वो लोग सिंधी है, जैन अगेन पार्टी वाले, पैसे वाली पार्टी। ये या देखो अग्रवाल भी हंसते हंसते आ गए, अग्रवाल के पास भी पैसा, पैसा बहुत है सर, पैसा बहुत है। चलिए दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, आजच्या साठी एवढंच, दैट्स इट फॉर द डे। और बस जो भी मिडल क्लास बेटा, लक्ष्मी माता और कुबेर जी देख रहे हैं, बोल रहे पूरे पिछली दिवाली में तो जैन राठी अग्रवाल इन लोगों ने सारा पैसा ले लिया, और ये लोग बोल रहे हम गरीब हैं मिडल क्लास है। वाह भाई वाह, हंस रहे हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी कुबेर जी हंस रहे हैं, बोल रहे वाह शर्म भी नहीं आ रही। किसने बोला ये, कौन था ये नालायक, लोअर मिडल क्लास। बेटा देखो मैं खुद शर्मा हूँ, तुम्हें जानता हूँ, क्वाइट पॉसिबिलिटी कि शर्मा लोग इतने अमीर नहीं है, रहते हैं अमीर भी रहते हैं, पर ये जैन मारवाड़ी अग्रवाल बहुत आगे निकल गए भाई अपने से। मेरे को तो लगता है लक्ष्मी जी का ना अर्थ पे आने का दरवाजे पर ही जैन मारवाड़ियों का घर है, एक जैक भगवान आते हैं तो तुरंत इनके पास देकर ही चले जाते हैं कुछ, बहुत पैसा है इनके पास, मार्केट हिला देते हैं भाई, ये लोगों को कम मत समझो तुम। अब तू डांस तो नहीं कर रहा कृष्णा, मैं गरीब हूँ मेरे माँ बाप मेरे को गरीब जन्म दिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वाला डांस। That's it guys, चलिए मिलते हैं कल सेम समय पे। कपिल शर्मा तो है, रैंक तो करती हैं भगवान के साथ, मैं गरीब हूँ मेरे मम्मी मेरे को गरीब जन्म दिया, मार खाओगे। चलो बाय बाय, कुछ डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रेफरेबली लाइव सेशन में ही कोई क्वेरी क्लियर कर लोगे तो बेटर रहता है। मैं गरीब हूँ माँ बाप अमीर है, वी लुक फॉर सिक्योरिटी, यस मजा आ गया। चले कल यूनिट 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कोऑपरेशन इज मच एक्सपेक्टेड। थैंक यू गाइस।